आईटी एडवांस में रैंक आता है ना उसमें वो एक कोटा में कहती हैं बड़ा कि हमारे यहाँ से आर होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कोटा इंडस्ट्री की इंटरेस्टिंग से देन में लगती है मुझे कि वो कहते हैं इसको मतलब रैंक डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं केमिस्ट्री को वो लो, लोग तो मुझे अच्छा लगा अच्छी चीज़ हम सबकी लेते हैं ठीक है तो ये एडवांस के अंदर होता है केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है अब हम केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं तो केमिस्ट्री में क्या होता है ना यार जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें क्या होता है जो बहुत टॉप बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट होता है जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट होता है जो बॉन्ड होते हैं वो लोग नहीं करते हैं मैं देखता हूँ ना केमिस्ट्री क्लासों में अटेंडेंस भी कम आती है पहले भी हम जो लाइव क्लास लगाते थे उसके अंदर लाइव क्लास में कम होती थी बाद में वीडियो वीडियो देखते थे और मैं पता है ऑलमोस्ट मैंने नाइन्टी मेरा थोड़ी देर के लिए इंटरनेट ऑफ हो गया था मुझे घबराहट हो गई थी कि क्योंकि ना एयरटेल का इंटरनेट चला गया है दिल्ली के अंदर छह बजे होगा तो मैं अभी ऑफिस में आके बैठा हूँ तो <laughs> तो उस, उस गाड़ी में भी देख के आया था तो मैं कह रहा था इतनी सारी चीजें हुई है और इन सब चीजों पे क्वेश्चन आते हैं अगर आप देखो अठारह उन्नीस बीस इक्कीस ऑलमोस्ट <laughs> सिमिलर कंसेप्ट क्वेश्चन आते हैं कोई आतेफानेट थोड़ी ना है यार कोई हमको बी एस सी एमएससी थोड़ा पूछ ले क्यों बेटा हसी मजाक करता हूँ कल मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वही मैंने संदीपिया कह रहे थे कि आप स्ट्रेस फ्री बात कर रहे थे आप भी काफी स्ट्रेस फ्री लग रहे थे मैं तो पूरे दस सात मिनट के वीडियो में हंसता ही रहा क्योंकि यार लाइफ में कोई मरने सुरने थोड़ी ना आया मतलब की आराम हराम है ये सब बातें एक दिन अभी मैं देख रहा था शाहरुख खान की वीडियो ही इज मोटिवेटिंग अरे यार तुम तो तुमने बच्चों को चला ले यार वो मोटिवेट मोटिवेट कर रहा है बच्चों को कि आराम आराम हराम है क्या साला बकवास कर रहा है यार अगर बॉडी माइंड रेस्ट ही नहीं करेगा तो आदमी परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा अब ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं फिल्म एक्टर हैं यहाँ भी एक्टिंग कर रहे हैं और उनके फॉलोअर हैं उनके फॉलोअर करोड़ों के अंदर है अजीब सी बात नहीं लग रही वो कह रहा है कि सक्सेस चाहिए तो आराम हराम है मैं टोटली डिस करता हूँ यार मैं भी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल ही हूँ ठीक तो है से तो बातें पढ़ लो दस ग्यारह तो अभी जितने दिन बचे हैं आपके शायद तेईस तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं कुछ बीस मेरे ख्याल से तेईस चौबीस से है हुँ. तो उसमें आप देख लो अभी ये सारी हमारी वीडियो ऑर्गेनाइज करके में भी डाल रहे हैं यूट्यूब में भी डाल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो दूर देखो इन की देखो केमिस्ट्री की तरफ से बात कर रहे हैं अंदर सर ने वो इफ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लगाई थी जो फिजिकल केमिस्ट्री के मुश्किल क्वेश्चन उससे बनते हैं या अमित शर्मा भैया ने आयनिक केमिकल और आयनिक और अपना केमिकल कैनेटिक्स की लगाई थी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं यार और इनऑर्गेनिक मिला के और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वही मैंने बोला था कि पूरी मिक्स आते हैं भैया मोहित भैया ने बेसिक चीजें लगाई थी और आपका भिगिन राज भैया मिश्रा जी ने लगाई थी वो बायो मॉलिक्यूल वगैरह की तो कुछ नहीं है अब ये ये वीडियो देख लो अभी क्या हुआ है हंड्रेड आवर्स है और इनके हंड्रेड आवर्स से ज्यादा ही तो है एग्जाम के अंदर जो है चार दिन ही है इनके पास आज हम सिक्सटीन में बैठे हैं आज एटीन है नाइनटीन ट्वेंटी है ट्वेंटी वन है ट्वेंटी टू है पाँच दिन में यही वीडियो जिन्होंने देख ली ठीक है जिन्होंने नहीं देखी है वही सब वीडियो देखे तो चीजें हो जाएंगी ठीक है बेटा मैं कुछ करता right. हूँ बहुत ऑर्गेनिक में इनको ऐसी तंग करता हूँ ठीक है जी थैंक यू भैया मेरी टीम चाहती थी कि मैं आखिरी क्लास मेरी क्लास से हो या शाम भैया से हो शाम भैया अवेलेबल नहीं थे तो मैंने कहा चलो मैं ही फिनिश कर ऑर्गेनिक समराइज हो जाएगी बच्चों की ठीक है चलो कुछ नहीं यार क्या समराइज होती ठीक थी? है बेटा ओके okay, थैंक यू भैया अब स्टॉप करोगे तो मैं शेयर करूंगा ओके ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर जेई मेंस ठीक है भैया देन एंड कर दो मैं एक बार आप स्टॉप कर दो अपना स्क्रीन हां जी भैया ठीक है दोस्तों तो वेलकम टू द एक एक्स्ट्रा क्लास होगी है मेरी ऑर्गेनिक क्लास थ्री ठीक है मैं तो तैयार ही रहता हूँ मैं तो उस दिन कह रहा था कि मतलब मैं तो कंटिन्यूसली छः घंटे भी आ सकता हूँ ठीक है तो हमारा इस पूरे मिशन का पर्पज़ इस और से आएंगे मेरे साथ ज्वाइन करेंगे अब हम बताएंगे आपका पर्पज़ क्या था तो अभी कुछ मेरा उस दिन दो क्वेश्चन रह गए थे मैं जल्दी में वो क्वेश्चन के सोल्यूशन तो बना दिए थे लेकिन लोग देखते नहीं हैं दोनों आई एडवांस के क्वेश्चन थे उसको थोड़ा सा मैंने सिम्प्लीफाई कर दिया था कि आई एडवांस का मुश्किल क्वेश्चन कैसे सिम्प्लीफाई करके आएगा तो ये क्वेश्चन शायद आपने किया होगा जिन्होंने नहीं किया है मैं उनके लिए कर दूँ कि क्वेश्चन जो है ना किस तरह से दिया होता है क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ था आप देखो फिनाइल रिंग पी लगा हुआ है अब ये तो हमें आपका सबको मालूम ही है क्या भैया कि ये जो है पी सी क्या करेगा कुछ नहीं करेगा ठीक है जी इसके बाद मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा ये दो ही क्वेश्चन है दो ही क्वेश्चन है जो मैं कराना चाहता हूँ यहाँ पे एवरीबडी नोज अच्छे से हमने इसको कर लिया है किसको बेटा आपका कि ये जो आपका सी एच होता है ठीक है इसकी पूरी मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे इस टाइम जो है बिल्कुल भी हम जो है इसकी बिल्कुल मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे ठीक है कि ये जो है आपका यहाँ पे क्या कर लेगा सी इस तरह से करते हैं ये वाला क्या बोलते हैं इसको अकाइल ठीक है तो क्या हो गया नाइन्टी से हंड्रेड परसेंट के बीच में नाइन्टी परसेंट से ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी होती है इस पर्टिकुलर रिएक्शन पे जिसको बोलते हैं फ्रीडल फिडलेशन रिएक्शन पे ठीक है जी नाइनटीडेंट जो है ठीक है तो इसलिए ये बहुत हाई चांस है अब इसमें अगर आगे देखें अब यहाँ केमिस्ट कह रहा है कि ए एल सी एल थी डाल दो अगर इस तरह से तो कुछ समझ नहीं आएगा आप देखो ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है तो अब इसके अंदर इसलिए समझ में नहीं आ रहा आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा अब ये चीज़ तो सबको दिख के पता लग सकता है आंख बंद करके भी कोई देख सकता है ये चीज़ क्या भैया कि ये तो अक, अकाईली मायने तो ऐसी रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली इसका मतलब है हम कुछ मिस कर रहे हैं हम इसमें बेंजीन रिंग को नहीं बना रहे हैं इसलिए सारी ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें ये बेंजीन रिंग बनाना पड़ेगा आपको ये वाला आप समझ गए ना ये बेंजीन रिंग बनाएंगे तो काम होगा तो बेंजीन रिंग बनाएंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये कार्बन वन हो रहा है ठीक है ये तो एक प्रैक्टिस होगी होगी पिछली दो क्लासों में क्वेश्चन कराए मैंने मैंने था थ्री हो रहा है फोर हो रहा है और पक्का ये क्या हो रहा है आपका ये फाइव का रिंग हो रहा है ठीक है जी इस तरीके से

मतलब आई के अंदर जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन बने हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है ना आप बिलीव नहीं करोगे बिलीव नहीं करोगे एडवांस से बने बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है जी तो अब ऑब्वियसली इस रिंग को हम बना लेते हैं दोबारा से यहाँ पे जो है फ्लो बना रहे हैं क्लास में चलेंगे इसमें जो है रिफ्रेश करना है स्वाति ने ठीक कहा था तो हम इसको क्या कर देंगे इसको यहाँ से जोड़ देंगे ठीक है जी और ये हमारा कार्बोन पर आ गया तो ये ऐसे कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था लेकिन अब इसमें एन टाइप क्वेश्चन बनाया था तो अब इसने एग्जामिनर ने अब देखो क्या चीज होती।, होती है एग्जाम में क्या अंडरस्टैंडिंग एक चीज है अब अंडरस्टैंडिंग लग गई अब फिनिशिंग द आंसर है फिनिशिंग द क्वेश्चन टू गेट अ मार्क्स टू गेट सर्टन मार्क्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको

तो मेरी टीम ने उसको मेरे से क्वेश्चन निकाल के दिए थे उसमें से मैंने आपकी आज की क्लास के लिए सिलेक्ट किए हैं फोर्टी क्वेश्चन किए हैं फोर्टी क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा तो इस पर्टिकुलर नोट्स के एंड में वो तो मैंने पूरी वर्क बुक डाल दी है बोल रहा हूं उसको वो आप कर लेना क्वेश्चन जो है में डिस्कस कर लूंगा अब डिग्री निकालना बड़ा आसान काम होता है कुछ नहीं होता अब ये जो एक आपका रिंग है इस रिंग में कितने हो गए फोर हो गए इस रिंग में कितने हो गए फोर हो गए इसको भूल जाते हैं लोग समझ रहे ना इसमें भी फोर हो गए चार दिए बारह बारह हो गए ना आपके जो है ठीक है जी और क्या हो गया आपका ये और कौन सा हो गया ये पंद्रह हो गया और इसके रिंग का क्या हो गया सोलह हो गया फिर रिपीट करें आप जो है कि फोर तो इसके अंदर होंगे फोर आपके इसमें होंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपको मालूम है बेंजीन रिंग में कितने होते हैं ईच फॉर डिग्री तीन फॉर डबल बॉन्ड वन फॉर रिंग और एक इसका हो गया आपका और एक इसका रिंग का हो गया टोटल क्या हो गए आपके क्या हो गए बारह फोर्टीन हो गए आई के एग्जाम में क्या था बताता हूँ उसमें एम के बदले भी क्या था पी था एम के बदले बी एस था तो प्लस फोर हो गए थे तो उसके अंदर एट्टीन आंसर था उसका जिन लोगों ने ट्राई किया होगा सिंसियर बच्चों ने दो हजार इक्कीस के अंदर जो पेपर टू में क्वेश्चन आया था इंटीरियर टाइप के अंदर तो उससे ये इन्फ्लुएंस हो मैंने क्वेश्चन लिया है तो देखो सबको मालूम है कि एसिड की रिएक्शन होगी सबको मालूम है कि COCL बन जाएगा मैंने गायब कर दिया है और सबको मालूम है ये अकाइलियम आइन के बाद क्या होगा अकाइलियम ढूंढता है रिंग तो रिंग दिख नहीं रहा क्योंकि पीएच दिख रहे हैं आपको तो इसलिए मैंने कहा था पूरे शरीर में चारों तरह आंखें होनी चाहिए आपकी जो है यू शुड भी मतलब जो है ना कि बिल्कुल एक कमांडो की तरह होनी चाहिए एग्जाम के अंदर जो है ठीक है तो उसने कहा इसका मतलब रिंग

डाइस पे नहीं कराया अगर लास्ट टेन ईयर में आप देखोगे एडवांस में डाइस पे काफी एडवांस में तो डाई में हमेशा ही क्वेश्चन आते रहे मेरे दोस्तों हमेशा ही क्वेश्चन आते रहे एडवांस के अंदर डाई डाइज के ऊपर और मेन्स में अभी थोड़ा कम रिवाज है तो मैंने कहा इट्स अ गुड क्वेश्चन आप ध्यान देखोगे मैं फिर बता दूं ये क्वेश्चन है आईटी का ये वाला आईटी वाला पोर्शन है ठीक है ये वाला पोर्शन आईटी का

देखो 19 तक के तो जो मॉड्यूल में जिन्होंने विद्या मंदिर के स्टूडेंट दिए ज्यादातर हैं यहाँ पे ठीक है जितने भी हैं तो वो सब 2019 तक हमने मॉड्यूल में डाले हुए हैं मैंने अपने हाथ से सारे उसके सोल्यूशन बनाए हुए हैं ठीक है जी और उसके बाद 20 के आपके अकाउंट में है और 21 के पेपर जो होते हैं वो पेपर की फॉर्मेट में हमने डाले हुए हैं हमने बीस के पेपर भी फॉर्मेट में डाल दिए हैं जिन लोगों के अट्ठाईस उनतीस को एग्जाम है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आपके एल एम एस में ट्वेंटी के भी पेपर के फॉर्म में आ गए हैं इक्कीस के भी आ गए हैं दोबारा ओपन कर दिए गए हैं हर बच्चा कर सकता है तो मैंने सारे एनालाइज किए हैं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रिएक्शन और ये सबसे बड़ी चीज है बुक में दे रखी है इसलिए तो मेरे को ये बड़ा लालच आया कि क्यों ना मैं इस बार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बैनजीन सल्फोनिक एसिड बना दूँ जो कि आपने कभी दुनिया की किताबों में मतलब देखा होगा कि कभी ये वाला कंपाउंड बैनजीन सल्फोनिक एसिड सॉरी क्या बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड क्या इसका सल्फेनिलिक एसिड

सॉरी सल्फिनिक एसिड बन गया सल्फिनलिक एसिड का सल्फिनलिक एसिड का डाइजोनियम सॉल्ट बनाया जा रहा है आ बड़ा आसान काम है तो भैया क्यों आसान काम है लो विंटो में एन टू सी एल बन जाएगा उसके अंदर और एक और चीज मौका है बात करने का एडवांस के पॉइंट से ज्यादा है ये आप ध्यान रखें एक चीज ये जो एन टू प्लस है ये जो होता है जिसको बेंजीन डाइजोनियम ट्रेटाइन बनते हैं अगर आप किसी लोगों को मालूम हो ये जो है स्पीशीज ये वाला जो है पूरा मिला के है इनफैक्ट

सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी आती है वो आपकी आती है लास्ट के दस मिनट में तीस से पंद्रह मिनट के बीच में अब लोग जो तीस मिनट में, में बताया था करके केमिस्ट्री चले जाते हैं बॉन्ड लोगों छोड़ दो बॉन्ड लोग यहाँ नहीं है समझ रहे <laughs> कोशिश कर रहे बॉन्ड लोग तो ऐसे हम जैसे गरीब आदमियों के लेक्चर में नहीं आते हैं समझ रहे ना मैं अपने कह रहा गरीब ठीक है जी वो नहीं आते हैं वो तो स्टड होते हैं स्टड जिसे कहते हैं अपने आप में जो है ठीक है तो उन लोगों के पॉइंटो से बात कर रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज होती है उनको पकड़ना होता है जैसे ये चीज है अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है आपको मालूम होना चाहिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल भी है इसका दूसरा बनाता हूं ना आपको थोड़ा मजा आएगा ये वाला ये क्या है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है अगर लोगों को याद होगा इस पर बहुत क्वेश्चन बने अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है वीक है इसीलिए तो ये इससे करेगा ना रिएक्ट देखो आप देखो ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रही है ये जो है वीक इलेक्ट्रोफाइल है और ये रिंग क्या हाईली एक्टिवेटेड है और एन डालेंगे तो क्या फिनाइल रिंग रिंग फिनोक्साइड आयन इज द मोस्ट एक्टिवेटेड इन अवर कोर्स जो है इसलिए रिएक्शन हो रही है इसलिए रिएक्शन हो रही है तो अब ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है अब ध्यान देना बड़ी जबरदस्ती बता रहा हूं अगर इसके हम इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप लगा दें इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप लगा दें अब ये देखो मेरा बिल्कुल मिजाज नहीं था इस बात को डिस्कस करने का पता नहीं क्या जोश आया मैं भी सलाह पागल आदमी तो हूँ ये पागल ही कहते हैं मुझे ज्यादातर लोग ठीक है इसके अगर पैरा में पैरा में या और में भी ऐसी कोई बात नहीं है हम इलेक्ट्रॉन विड ग्रुप लगा दें ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप है ये चाहे माइनस आई से करे या माइनस एम से करे तो पता है क्या होता है दोस्तों इसकी जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है बढ़ जाता है ये जो है थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रांग हो जाता है तो आप अभी समझेंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है इसकी रिएक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है इसकी रिएक्टिविटी बढ़ चुकी है इसलिए मिथाइल नाम का स्पीशीज बनता है आपने कभी देखे वो तो नहीं बनाऊंगा मैं अभी इस टाइम इस क्वेश्चन को ही करने के मूड में हूं मैं ठीक है तो प्लीज नोट करेंगे कि मैं इसको उठा के ला रहा हूं इसकी जो है ना ये आपकी क्या है डाई एजो कपलिंग रिएक्शन हो जाती है तो डाई एजो कपलिंग रिएक्शन जो होती है वो एक बार देख लेते हैं अपना ठीक है डाइ एजो कपलिंग रिएक्शन जो होती है वो एक्टिवेटेड रिंग के साथ होती है आपको याद होगा याद होगा क्या याद होगा दो कैटेगरी के होते हैं ये जो डाइजोनियम साल्ट होते हैं या तो फिनोल से अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करते हैं या फिर ये एनिलीन एनिलीन से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं और सब डाइस बनाते हैं सब डाइज बनाते हैं ठीक है तो ये डाइज का धंधा तो टेक्सटाइल इंजीनियर को छोड़ो आप एज ए स्टूडेंट जो है इस चीज़ का धंधा करो यार बड़ी रिएक्शन है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस रिएक्शन और ये डाई एजो कपलिंग बन जाता है इसके अंदर ग्रुप मालूम होना चाहिए इसमें एसिडिक मीडियम करते हैं इसे बेसिक मीडियम करते हैं तो एनिलीन और फिनोल दोनों बहुत ही एक्टिव रखते हैं तो ये निकल के चीज आई कि इसमें जो मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रिंग ग्रुप रखा इससे इसकी एक्टिविटी यानी इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई ये स्ट्रोंग आपका क्या हो गया हो गया ठीक है ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो अब इसका आंसर बना लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपने थोड़ा सा नोट किया होगा इसमें कि बाद में एसिड है बाद में देख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है अब इसके अंदर क्या है कि अगर ये ऑर्थो पे है तो पैरा पे होता है ठीक है जी अगर इस जगह पे ओ एच होता है तो फिर यहाँ पे कपलिंग होती एक्चुअल में जो आई आई में क्वेश्चन आया था उसमें बीटा नेपथोल दे रखा था हमने कौन सा लिया है इसकी स्कॉल्ड है अल्फा ने आप देखो कि मैंने बहुत कोशिश करी है पिछली दो क्लासों में ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन डिवाइस करने की यही रिएक्शन रहेगी थी इसलिए मैं जो टाइम लगा रहा हूँ ये अल्फा है तो पैरा पे होगा इसका जो जो सब्सिट्यूशन होगा वो पैरा पे होगा तो हम जो आंसर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे और आपके सामने आंसर बनाते हैं ये बन गया तो आंसर जो बनेगा अब वो क्या बनेगा आपका पैरा पे बनेगा तो पैरा पे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा समझ गया एसओ थ्री अब इसमें कोई गलती हो रही है ना बिल्कुल गलती हो रही है सर कैसी बात कर रहे हो आप अरे यार इसमें ओ एन ए बनेगा क्योंकि एन एच है जब तो रिंग एक्टिवेट हुआ अरे यार इसमें क्या बनेगा एसओ थ्री एन ए हो जाएगा एसओ थ्री एच है ना हो जाएगा। तो केमिस्ट ने क्या किया केमिस्ट को लग रहा था ये आंसर में कुछ कमी सी हो रही है तो जनरली क्या करते हैं थोड़ा एसिडिफिकेशन के लिए हम वीक एसिड यूज कर लेते हैं वीक एसिड वाटर डाल के तो इसका जो सारा पर्पज है वो है एसिडिफिकेशन क्या चीज़ कहलाती है एसिडिफिकेशन इट इज नॉट हाइड्रोलिस इट इज एसिडिफिकेशन साल्ट को एसिड करने में यूज होता है तो ये सारे स्ट्रक्चर को मैं ले आता हूँ एज इट इज मेरे बच्चों ठीक है ऑरेंज कलर का प्रेसिडेड बन जाएगा ये डाई ऑरेंज डाई बन जाएगा क्योंकि देखेंगे जो इससे जो होते हैं हमारे इससे ऑरेंज डाइज बनते हैं किससे नेपथ से वाली रिएक्शन से तो ये मेरे प्यारे दोस्तों ओ OH हो जाएगा और ये वाकिस जो है आपका हो जाएगा ठीक है जी ये एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था और मैं नहीं सब लोगों ने किया था नहीं सब लोगों ने किया था क्वेश्चन यहीं से शुरू हो रहा था प्लीज ध्यान दें यहीं से तो मैंने इस क्वेश्चन को और बेटर बनाया इनफैक्ट कि मैंने क्या करा इसको भी बनवा लिया आपसे आप समझ आप रहे हो ना मैंने यह भी आपसे बनवा लिया और ये मैंने बनाया ए आर एसन टू रिएक्शन जो मेरा फेवरेट स्टाइल है कि रिवाइज ठीक है जी एज मैनी एज रिएक्शन पॉसिबल इन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है एक ये क्वेश्चन और बढ़िया है इफ यू कैन एंजॉय दिस क्वेश्चन मैं ना वो यूट्यूब वगैरह पर थोड़ा नहीं बैठा हूँ वरना बच्चे जो आंसर देते हैं मुझे खुशी होती है मैं देख रहा था स्वाति वगैरह ज़्यादा एंगेज कर पाती है मैं तो बोलता इतना हूँ कि बंदा सांस ही लाता है मेरी क्लास में दर्द हो ठीक है जी तो इससे गुड क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें इट्स रियली गुड क्वेश्चन ये इंटीरियर टाइप क्वेश्चन ही है, है तो देखिए स्ट्रक्चर दे रखा है हमने उसमें एल एल एच फोर डाला है कह रहा प्रोडक्ट क्या बनेगा तो आप बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगा सोचो आप भी सोचो मैं भी सोचो हम दोनों मिलके सोचते हैं बेटर है जब बातचीत जब होती है दोनों मिलके सोचते हैं ठीक है जी दोनों मिलकर सोचेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है मैं आपको बता दूं जेई मेस के एग्जाम में एक नहीं कम से कम दो से तीन क्वेश्चन तीन क्वेश्चन मिला लें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे आते हैं इसलिए मैंने कौन रिएक्शन इन्वॉल्व की थी आपको देखो फर्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो डाइबल एच भी जो मेरा फेवरेट है वो मिस कर कर गया था फर्स्ट क्लास में सेकंड में कर दिया था अब ये रिडक्शन कर रहे हैं ऊपर से शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्बोनियल ग्रुप दिख रहा है हमें कार्बोनियल ग्रुप दिख रहा है तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे तो वो कार्बोनियल ग्रुप क्या हो जाएगा रिड्यूस करके क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा ठीक है खत्म हो गया डबल बॉन्ड तो रोड्यूस होता नहीं है एल एल एच फोर से बताया था डबल बॉन्ड जब रिड्यूस होता है जब वो कंजुगेशन विद फिनाइल रिंग होता है तो नहीं होगा अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी पहले मैं बताऊँ रिड्यूसिबल ग्रुप कौन से है ये ग्रुप रिड्यूसिबल है ये भी ग्रुप रिड्यूसिबल दिख रहा है तो पहले मुझे वही दिख रहा है तो ज्यादातर बच्चों को दोनों कीटोन ग्रुप दिखते हैं और उसको वो रिड्यूस कर देते हैं प्यार से प्लीज मान लो अब इसके अंदर फिर वही मिस्टेक हो रही है मैंने बताया था आपको कि ये ग्रुप जो है पिछली क्लास में बताया भी गया था यार क्या बात कर रहे हो बकायदा बताया था मैंने नाइट्रो इज रिड्यूस बाय एच टू पी एंड आपका क्या एल तो ये ग्रुप जो रिड्यूस होना था ना इससे क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा बी पार्ट का अब ए पार्ट का तो आंसर नहीं बदलेगा ए पार्ट में कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो तो वन है वो तो साफ ही दिख रहा है एक डबल डेवलपमेंट जी वन है ये तो कुछ ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया ये शायद जयस लेवल का क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा इसमें स्पार्क इस डालने आई डी एडवांस लेवल का हो जाएगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इफ पी रिएक्ट्स विद एक्सेस एम जी बी आरग्नाड एजेंट तो ग्रजेंट को देखो कौन सा ग्रग्नाडेट का ये करेक्टर करने को कह रहा है एग्जामिनर जो है कुछ कह तो है कुछ कह तो कैतोरानी है इसमें क्यों नहीं कह रहा है मिथेन इवलॉबल कर रहा है ग्रिगनाड्रीजेंट जो है ग्रिगनाजेंट जो है क्योंकि ये चीज़ भी आप देखो मैंने पिछली दो क्लासों में नहीं की थी ग्रिगनाड्रीजेंट जो है किसी भी कंपाउंड से एसिडिक हाइड्रोजन को निकलता है जो एसिडिक हाइड्रोजन को दे सकते हैं एसिडिक कंपाउंड और उससे क्या हो जाता है ये इसको अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं एम ई कर लेते हैं और ये मिथेन बन जाता है एम ई और ये आपका एच बन जाता है ठीक है ये बाकी साइड में जो ही बनेगा आपका एम जी बी आर ए बन जाएगा तो ये है आपका क्या मीथेन तो ये ग्रिगनाडेजेंट का क्या है बेस करेक्टर है तो ग्रिगनाडेंट का बेस करेक्टर ही पूछ रहा है इसका मतलब तो आप देखेंगे इसके अंदर ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है ठीक है ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है ठीक है फील कर रहे हैं किस किस में एसिडिक हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन ये एसिडिक हाइड्रोजन है, है, है और तो कोई नहीं एसिडिक हाइड्रोजन देख लो ग्रिगनाइड एजेंड के लिए ये आपका यही एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेसिकली इसका जो आंसर हो गया वो थ्री हो गया तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था आई होप यू मस्ट है ठीक है अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी ठीक है तो आप देखो फिर देखो इसके अंदर मैंने ये रिडक्शन आपकी रिवाइज कराई की दो रिएक्शन इसमें रिवाइज कराई ठीक है जी इस क्वेश्चन के अंदर तो मैंने आपका ये भी रिवाइज कराई और फिर मैंने आपकी कागरी जबरदस्त फॉर्मेशन की रिएक्शन रिवाइज कराई इसके अंदर मैंने एकाइलेशन करा इसके अंदर जो है आपका वो एस सी रिएक्शन कराई ठीक है जी और ये हमने डिग्री आसान क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट और ये वाला बहुत शानदार सा हमारा क्वेश्चन ठीक है तो अब ये हो गया काम तो अब ये हम आज की क्लास शुरू करते हैं जो मेन जो है कि जिसके अंदर हमने ये सोचा था कि आ, अब ये देखो इंटीरियर टाइप क्वेश्चन है इंटीरियर टाइप क्वेश्चन है इंटीरियर टाइप क्वेश्चन इस तरह का मस्त उन्होंने दस इंटीरियर टाइप बनाने आपके लिए और दस में से पांच को मतलब आपका पूछ रहे आपसे तो मेरा अंदाजा है कि दस में से क्या हुआ कम से कम चार हो सकते हैं फिजिकल के तीन हो सकते हैं ऑर्गेनिक के तीन हो सकते हैं इनऑर्गेनिक के या कुछ भी कंबिनेशन बनेगा तीन से कम तो किसी किसी टॉपिक के नहीं आएंगे तो अब उसमें क्या क्या वेरायटी हो सकती है वो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के थ्रू मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ कुछ नहीं करना पेशेंस चाहिए ठंडक चाहिए रिलैक्स माइंड चाहिए जो मैंने कल वीडियो जो देखी होगी वो मैं कहूँगा इनसे कि वो वीडियो वगैरह और दोबारा डाल दें यूट्यूब पर डाल दें संूट्यूब पर डाल दिए वो जो कल एक मैंने बच्चों के लिए मैसेज किया था वो सब लोग देख लेंगे उसका लिंक डाल देंगे ये ठीक है तो अब उसमें मैंने ये कहा था कि जितना जो एड माइंड एड रेस्ट रेस्ट होता है जितना माइंड एड रेस्ट होता है जितना रिलैक्स माइंड होता है जितना कूल माइंड होता है जितना आपकी भाषा में चिल चिल इन पॉजिटिव सेंस होता है चिल चिल एक नेगेटिव वर्ड बन गया या कुछ मत करो चिल करो कुछ मत करो साला हरामखोरी के लिए भी चिल बन गया एक वर्ड पिछले दो तीन साल में हरामखोरी खोरी वर्ड के लिए हरामखोरी मतलब कोई काम नहीं कर रहा कुछ नहीं कर रहा वो भी चिल कर रहा बंदा बड़ा चिल बंदा है यार अरे चिल बंदा वो होता है जब ने काम को अच्छे से कराया और चेहरे पे उसके ठंडा गया कुलने से तो देखिए तेजी से करते जाएंगे इन क्वेश्चनों को कह रहा है आपका क्वेश्चन हो गया सिम्पलेस ऑफ द क्वेश्चन हो गया ठीक होगी ठीक है जी बिल्कुल सही है ये आपका तो, ठीक हो गया उस्री ओ सी ओ एड्स टू दी आर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्ग निकॉव रूल क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ठीक है जी गलत स्टेटमेंट है ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेज ये बिल्कुल एडवांस एग्जाम में कभी भी आ सकता है एडवांस में तो दो तीन बार आ चुका है क्या कि ये एक ऐसी रिएक्शन है कि जिसमें आप ध्यान से देखो हम इसमें क्या करते हैं बेटा इसमें एच बी आर का जब एडिशन करते हैं ये एच बी आर का जब हम एडिशन करते हैं इसमें तो आप देखो इसके अंदर ये लोन पेड़ जो है यहाँ आ जाता है ठीक है ये इधर में आ जाता है और आपका ये इधर आ जाता है समझ रहे ना आपको जो है तो ये आपका क्या हो जाता है सी थ्री ठीक है जी ये ओ पे प्लस आ जाता है ये स्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्डेड है ये सी एच है ये सी एच टू और ये आपका एच आ जाता है बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है अब इस जगह पे बड़ा मजेदार मामला है क्या है अगर आप ध्यान से इसमें देखो बहुत जबरदस्त तरीके से देखो इसमें क्या कि अब जो ये बी आर माइनस है क्यों बी आर लिया है बी आर एक गुड न्यूक्लियर फाइल है काफी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है ये बी आर एक गुड न्यूक्लियर फाइल है तो गुड न्यूक्लियर फाइल जो है ना इसके अंदर बी आर वो यहाँ पे क्या करेगा एसन टू अटैक कर देगा ये एस एन टू अटैक कर देगा समझने नहीं कोशिश कर रहे हो तो ये इधर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आप प्रोडक्ट जो ऑब्जर्व करोगे वो बीआर आर थ्री करोगे ये वाली चीज और प्लस क्या करोगे ये डबल बॉन्ड ओ सी और सी थ्री करोगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ईथर के विनाइलिक ईथर के क्लीवेज में एक एल्डिहाइड आ गया और एक आपका अल्काइल है, हैलाइड आ गया तो मेरे अपने हिसाब से एक ये इसका आंसर हो सकता है ये आंसर जब होता है जब थोड़ी सी कंडीशन एन एड्रेस होती है क्या होती है एन एड्रेस होती है अगर कंडीशन जो है हमारी एन एड्रेस नहीं होती है अगर हमारी कंडीशन एन एड्रेस नहीं होती है तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी देखते हैं लिखवाते भी हैं क्या लिखवाते हैं हम ध्यान से देखेंगे इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम इसमें ये ओ है तो इस जगह पे कार्बोकोडाइन बनाते हैं वो तो बना ही है ऊपर

और मैं आपको बता दूं बिल्कुल परफेक्ट ये मार्गोमी का एडिशन है तो आप देखो ऐसे छोटे क्वेश्चनों को मैं निकालता हूं ऐसे तो मैं कोई ऐसे तो कर नहीं रहा आप जैसे मैं किसी बंदे की वीडियो देख रहा है पे वो कह रहा है ये चार घंटे फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कराएंगे और वो बच्चों को बता रहा था कि रिडॉक्सेशन क्या होती है बोल कंसेप्ट सिखा रहा था ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है बच्चों का बंदा जो है एक बंदा कहता है ये, मैं आपको लॉ जी मतलब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छः घंटे में रिवाइज करा दूंगा मैंने तो कभी नहीं कहा से क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि जोमेट्री का आइसोमरिज्म क्या होते हैं आपका स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म क्या कहते हैं बच्चों का बेखू बना रहे हैं वो हमें देखा देखी भी लोगों ने कर रही मैराथन फार्मूला की सीरीज फिजिक्स की एक केमिस्ट्री की शुरू कर रहे हैं मत करो इन चक्करों के अंदर यार हम तुम्हें काम की चीज पकड़ा रहे हैं यहाँ हम बिल्कुल आपको मतलब नेक्टर पिला रहे हैं और आप जाके वहां पे जो है साले मतलब क्या पी रहे हो उसका ठर्रा पी रहे हो ठर्रा आप जाओ ना कभी जाके देखो अभी को देख रहे हो एग्जाम खत्म हो जाएगा ना अठाईस तारीख को बाईस तारीख देखो ठर्रा पिला रहे हैं ठर्रा देसी ठर्रा साला और यहाँ तुम्हें तो हमें ला रहे अमृत साला समुद्र मंथन करके हमारे सारे टीचर तो उनके यहाँ भीड़ लगाए बैठे हो दुकानों के अंदर शर्म भी नहीं आती साली बच्चों को और वी का बच्चा है दो साल तीन साल पढ़ा वो भी साला वहां पे जाके नाली में साला मुंह मार रहा है आई कैन स्पीक एनीथिंग <laughs> मजा पड़ाता है ऐसा गुस्सा। गुस्सा तो नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें और इसमें सबसे होता है वो आपका क्या होता है जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है फ्लोराइड जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्ता है तो इसने बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन परफेक्ट बनाया है ये मैंने क्लास में भी कराता हूँ मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है जो विद्या मंदिर के स्टूडेंट है ज्यादातर वही है ठीक है होगा काम रेट ऑफ एसेंट रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ आपका क्या सॉल्वेंट बताए इसके बारे में क्या कह रहा है कि सोलवेंट पोलैरिटी पे डिपेंड करेगी क्या रेट ऑफ रिएक्शन जो है नहीं क्योंकि एस एन टू रिएक्शन में क्या होता है अगर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाता है तो कंडीशन जो है ना बहुत ज्यादा क्या होती है? SN1 के फेवर हो जाती है और ए ए प्रोटिक तो ये जो है स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट नहीं हुई ठीक है सिग्मा कॉम्प्लेक्स और रेज यही तो कारण होता है उसका अलाइलिक सिग्मा जो काम होता है ये वाला ये वाला जो बन जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आया और ये आपका एच आया और ये हमारा क्या बन गया ये ये वाला चीज तो ये क्या है ये तो है अरिनियम जो बनेगा ये वाला दिस इज एनियम रेजोनेंस है इसमें ठीक है तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या हो गया थ्री हो गया ठीक है जी छोड़ो हो गया आसान क्वेश्चन रिवाइज कर लेना लेकिन मैं बताऊं असीम जाग की बात नहीं है मैं बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने यहां पे समझाया और ये बताया मैंने नॉन एनेड्रेस कंडीशन में एच बी आर की

ये आप देखो इसके अंदर क्या है देर इज कैनिजारो तो इसके अंदर क्या है आपका कुछ कह सकते कैनीजारो होगी नहीं होगी क्या विचार है आपका क्या विचार है क्या विचार है कंडीशन होती है Kenizaro को अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए लेकिन विनाइलिक अल्फा हाइड्रोजन होना तो काम चल जाता है यस yes, ये कहनीजारो रिएक्शन देगी ठीक है जी देखे अब ये क्या रखा है आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे सीएल है यहाँ पे भी सी एल है यहाँ पे सी एल है तो एक्चुअल में क्या है ये क्लोरल है क्या ये क्लोरल है ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस क्वेश्चन को यहाँ पे कराते हुए क्लोरल जो है बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत लोगों को लगता है क्योंकि इस, इसमें लग रहा था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसके अंदर देखो ना ये अल्फ़ा है लेकिन ये क्या है विनाइलिक है तो विनाइलिक अल्फा हाइड्रोजन एक्चुअल में क्या होता है इसका रीजन मालूम हो कि वाई कैनिजारो रिएक्शन डन अगर नया क्वेश्चन देखो यार देखो मैं ना अच्छे मेरा दिमाग के ऊपर नहीं आता कि जो एल्डिहाइड्स विद अल्फा हाइड्रोजन डू नॉट गिव कैन रिएक्शन वाई क्वेश्चन एक अच्छा सा बना देखो ऐसी मजा आता है चीजों का ठीक है जी एन एल डी हाइड विद ठीक है जी डज नॉट शो डज नॉट शो हो। कारण क्या है इसका कारण अगर मालूम होगा तो ये बी क्वेश्चन अल्फा हाइड्रोजन ठीक है, है। जी क्यों नहीं करता है वो आपका क्या होता है बेसिक मीडियम में क्या करता है इनोलाइज कर जाता है, इनुलाइसे। इनुलाइसे। इनुलाइस करता है तो ये इट विल मूव टूवर्ड आपका क्या

डज नॉट आपका क्या नॉट इनोलाइज विनाइलिक हाइड्रोजन जो है एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तो इंटरेस्टिंग साइ क्वेश्चन बन गया सोचा नहीं था लेकिन मजा आ गया ठीक है तो अब ये यहाँ पे आ जाए बात जो यहाँ करने वाले थे भाई कलर, कलर, कलर ये कि ये कंडीशंस हैं, ये सेम ही है ओएच OH है हीट है तो इसमें क्या है नो no के निजारो यार कैसी बातें कर रहे हो अभी तो आपने कहा है नो no के निजारो क्यों why 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 इट अंडरगोस क्लोरोफॉर्म रिएक्शन ओ यस इट अंडरगोस क्लोरोफॉर्म आपका क्या रिएक्शन टेस्ट लिखने वाला था क्लोरोफॉर्म रिएक्शन वो मैं हाइलाइटर से समझाऊंगा ठीक है क्यों ओएच जो है यहां अटैक करेगा दिस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप क्या है ये सी Cl3 माइनस इज आपका वेरी गुड लीविंग ग्रुप क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या है Stabilized है तो ये क्या हो गया क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी खत्म काम तो आपको मेरे ख्याल अच्छे से मेरी बात समझ आएगी जो मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे ठीक है जी इसको तो अलग कर दो ये ये जो नीचे मैंने थोड़ी चीजें बताई हैं ये अपने काम की चीज है ठीक है तो एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर जो है ना हमने स्पार्क डाल लिया डिस्कशन का मतलब ये होता है कि ये भी टू स्टेटमेंट हो गई है तो एक्चुअल में आंसर के तौर पे इस क्वेश्चन में ये हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस D D is the answer. D is the the answer. answer for this question. थीके? incorrect. revise कर लेना इतना time नहीं आए ठीक है ये मैंने सर्कल क्यों बताता हूँ पहले answer ढूंढते हैं Answer ढूंढना शुरू हुए एन एस टू ओ हो बल्ले बल्ले Feeling ये होती है feeling बड़ी simple होती है जिनके ऊपर ये lone pair होता है ठीक है ये वन तो correct हो गया अब ध्यान से देखें टू स्ट्रक्चर है वो जिस तरह से लिखा होता है एग्जाम में ऐसे लिखा होगा लेकिन इसको देखने का तरीका क्या होगा उन लोगों को वो हो ओ, हो ओ, ओ, ये तो आपका क्या है माइनस आपका आई है माइनस एम है तो ये तो क्या है डीएक्टिवेटर है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं आपके वो मेरे प्यारे दोस्तों आपको शायद मालूम होगा वो क्या होते हैं आपके मेटा डायरेक्टर होते हैं

अल्फा हाइड्रोजन का मतलब प्लस एच इफेक्ट इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं लाया था लेकिन ये मैं सोचा तो यहाँ डिस्कस हो जाएगा ये ठीक है जी वंस अगेन आपको इसमें थ्री में देखेंगे में भी दिखाई नहीं दे रहा ये आपका एनओ ग्रुप है बेंजीन के ऊपर जो लगाया जाता है बेंजीन लगा के दिखा दू आपको सर्कल बना लेते हैं ये वाला ग्रुप है ये ये वाला तो इसपे क्या है ये लोन पेयर है तो ये क्या है आपका प्लस एम इफेक्ट है मिफेट. तो ये क्या है आपका ऑर्थो डायरेक्टर है तो इसलिए इसमें ये भी आंसर होगा ठीक है सी डब्ल्यू तो बिल्कुल गलत आंसर है क्योंकि ये आपका क्या बनाता है माइनस एम इफेक्ट दिखाता है ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ईटी हंड्रेड परसेंट प्लस एच इफेक्ट लिख दे भैया प्लस एच इफेक्ट प्लस एच ये क्या है ये भी देखो आप ये भी देखो क्योंकि ये ये मिस होता है लोगों से मुझे मालूम है ना क्या चीज मिस होती क्या नहीं मिस होती ये ग्रुप जो है एन डबल आपका NH2 है, ठीक है, जी? इस भी लोन है लोन पेयर की कहानी मतलब तो थी ठीक है तो आंसर में क्या हो गया ये भी आ गया सिक्स ये तो एसओ थ्री है देखो, देखो, इसमें लोन पेयर है यहाँ दिख नहीं रहा था यहाँ लोन पेयर है

ठीक है नहीं नहीं एक दो तीन चार पांच पांच है देखो देख रहे हो ऐसे अब ये कितना बढ़िया काम हो गया क्वेश्चन ठीक किया सब कुछ ठीक किया और आंसर आपने गल लगा दिया भैया देखो आपसे भी मिस्टेक हो रही है तुम परेशान थोड़ी ना रहा हूँ टू अर इज कह दूंगा मैं थोड़ा स्मार्टनेस तो है मेरे अंदर जो है इस तरह की चीज ठीक है जी क्लियर हो गया बात जो है इस पे क्रॉस लगाना बोलिए चार इसमें जो चार जो है तो इसमें जो फोर है कौन से वाले जिसमें भैया आपने क्रॉस लगाया है वो सारे सारे क्या है मेटा डायरेक्ट ठीक है ये क्लियर हो गया आओ जी आओ ये क्वेश्चन भी देखें और दोस्तों आज मैं इस मिजाज से क्वेश्चन निकाल के लाया आऊँ जिस तरह के जेई में आते हैं जैसे स्वाति दीदी कर रही थी तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत ध्यान से देखोगे इसमें भी क्या ध्यान से देखे ध्यान 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 से द्यान से द्यान से करते रहते भैया हमेशा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पकड़ेगा बेंजीन को पकड़ेगा ठीक है जी एसडी हेड को पकड़ेगा मैं एनिल को पकड़ेगा एसीटोन को पकड़ेगा मैं आपको बताऊं इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या रखोगे जो फेवरेट स्पीशीज है इसमें है ठीक है जी मोटा हो गया पेन ठीक है जी एनिलीन है फिनोल है जो फेमस है फिनोल है यार क्या कर रहे बिल्कुल भैया आप अच्छा काम नहीं कर रहे आजकल ठीक है आजकर, जी एक मिनट ओवर तो चार्ज हो गया जरा ठीक है ये ठीक है एनिलीन हो गया फिनोल हो गया एरोमेटिक में ये फेमस हो गया और खुद हमारा प्यारा जो इस क्वेश्चन में है बेंजीन हो गया ठीक है जी एरोटिक में क्या होता है ये बहुत ही फेमस होता है कि एसीटोन का बनना एसीटोन का बनना ना बहुत ज़्यादा फेमस होता है मुझे लगता है ये तीन चार तो बहुत ही ज्यादा ठीक है, लिखा है। मैंने और एक चीज भूल गया मैं ठीक है जिसको कंपाउंड को देखो एरोमेटिक वाले एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन ये कुछ स्पीशीज है एलोफेटिक में तो सिर्फ एक यही आया आपका एसिटोन मुझे दिमाग में नहीं आ रहा और कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट कम्पाउंड हो एस्टल डी हो जाएगा और ये चीज है तो ये क्वेश्चन को दो मिनट में करते हैं फटाफट बहुत जितनी तेजी से हो सके मेरे दोस्तों कह रहा है कि बेंजीन देगा जिंक डस्ट बेंजीन देगा यस yes, डेगा ठीक है जी जिंक डस्ट या बेंजीन ठीक है ये तो रेड रन में वही आपका ट्राइमर बन जाएगा किसका एसिटाइलिन का तो क्या हो जाएगा वो बेंजीन ये वही जो है जो मैंने पिछली क्लास में कराई थी ये ये थोड़ी यहाँ पे गलती हो गई प्रिंटिंग के अंदर ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए था एन टू स्टीएल होना चाहिए था ठीक है जी इसमें जो है आपका क्या होना चाहिए था ये n2cl होना चाहिए था ठीक है ये आपका क्या होना चाहिए था n2cl होना चाहिए था ये जो मैंने कराया था पिछली क्लास में तो ये भी क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया ठीक है जी ये तो है ही मोस्ट पॉपुलर डी डीकार्बोक्सिलेशन ये क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज एन एसिड ये क्या हो गया टोलिन बन जाएगा इफ यू इफ यू ऑब्जर्व इट वेरी वेरी क्लियरली ये कंपाउंड जो क्या बन जाएगा ये आपका माइनस है ये प्लस है ये एच को लेगा फिनोल से तो आपका क्या बन जाएगा टोलिन बन जाएगा चलो ये आसान क्वेश्चन था हो गया वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव इसका आपका आंसर हो गया ठीक है खत्म करें हाउ मेनी और देखो एक और अब आ गया ये अब इसमें क्या कह रहा है मैंने हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स अब ध्यान देखना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है ये एकदम देख के ऐसे नहीं करना क्या कह रहा है इफ हाउ मेनी द फॉलोइंग ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन किसमें

फोर कितना कितना आसान आसान हो हो गया हो गया क्वेश्चन तो बनने अरे बहुत आसान होता है एग्जाम यार बहुत आसान होता है ये सिर्फ आपका 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 मन का थॉट प्रोसेस जो चारों तरफ का प्रेशर और आपके जो कल मैंने वीडियो करी थी इंटरनल फैक्टर प्लस एक्सटर्नल फैक्टर का हाइब्रिड का आपका फियर कि कहीं सेलेक्ट ना हो जाऊं कहीं सेलेक्ट हो जाऊ किसी को यही फियर है सेलेक्ट हो जाऊं तो रैंक खराब ना आ जाए तो वो जो इंटरनल फैक्टर है मन के फैक्टर है जो मैंने कहा था कि आदमी जब मंजिल नजदीक आ जाती है मंजिल नजदीक आ जाती है हाथ पैर शिथिल होने शुरू हो जाते हैं हाथ पैर तो मंजिल नजदीक आ रही है मंजिल अभी नहीं आ रही है मंजिल को पहुंचने की सीढ़ी यानी एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है तो हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं जैसे अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र के अंदर उसको लगता है सब अपने हैं ठीक है उनको मारते डाइम उसके हाथ पैर शिथिल है शिथिल का मतलब है कि हाथ पैर कांप रहे हैं मर रहा हूँ मुझे क्या करूंगा छोड़ दो यार मैं सन्यासी हो जाता हूँ मैं सन्यासी हो जाता हूँ आप समझने की कोशिश कर रहे हो इस तरह की चीज बच्चे मुझसे लिखते हैं एग्जाम एडवांस हम पास में आता है जब कि भैया कुछ नहीं रखा जिंदगी के अंदर आई टी में सेलेक्ट हो तो भी गए थे क्या करेंगे चार पैसे तो कमाने होंगे ना मतलब जो है पैसे में कुछ नहीं रखा ये सब बातें इंटरनेट के बाबाओं की दूसरे टाइग के बाबाओं की बात करके स्पिरिचुअल बाबाओं की करके सुन जाते हैं ठीक है जी एक दिन घर से बाहर दे बाहर एक दिन घर से पावा बाहर निकाल दे पता लग जाएगा कि पैसे की इंपॉर्टेंस कितनी होती है और माप की इंपॉर्टेंस कितनी होती है लेकिन आप क्या करते हो उनकी बातों को मतलब जो है ना मतलब अपना इशू बना लेते हो इंटरनल फैक्टर भरे पड़े आपके जो है एक्सटर्नल फैक्टर में वही पापा की डाट फ्रेंड्स की मतलब मतलब वो अभी बच्चे ने अजीब सा क्वेश्चन भेज दिया एक फ्रेंड बच्चे को जो कितना अजीब सा क्वेश्चन था वो मुझे लगता है मतलब सौ साल भी आई में नहीं आएगा क्योंकि वो चौधरी चौधरी साहब की किताब का मैंने पूछा कहाँ से आया कह रहा है एक बच्चे ने मुझसे पूछा था मैंने कहा फोन लगा के कर उसने अपने फ्रेंड को फोन करा तो कह रहा है चौधरी चौधरी साहब की किताब है मुझे लगता है उनके बाल बच्चे नहीं है कुछ जो है मेरे पे केस वेस करेंगे इस बात पे जो है ठीक है जी इतनी अजीब सी क्वेश्चन है इतनी अजीब जी किताब बना रखी है तुम कर रहे बैठ जाओगे कि भाई अब कुछ नहीं है बच्चे कह रहे हैं और पेपर दे रहे हो मैं कहता हूँ पेपर करने की जरूरत ही नहीं है जो आपने अभी पिछले तीन चार छह महीने में गलतियां करी हैं उनको देखो यार गलतियां आपने करी उनको देखो ये सब चीजें करो ठीक है तो क्वेश्चन को पढ़ा कैसे करते हैं ये क्वेश्चन को पढ़ा हाउ मैं में ढूंढ रहे हैं कांग्रेस से ग्रुप देंगे ये ऑर्थो पेरा देगा ये ऑर्थो पेरा देगा ये ऑर्थो पेरा देगा ये आंसर कराए तीन क्वेश्चन गलत हो गया

आप विजुलाइज आपका क्या ग्राफ फ्राफ एक्शन ये विजुलाइज़ करो क्यों आपको मालूम ही होगा अच्छे से क्या मालूम होगा भैया अच्छे से क्या मालूम होगा अच्छे से अरे यार ये मालूम होगा कि ये जो रीजेंट है अभी तो करके आए हो सालो अभी तो करके आए हैं क्या करके आए हैं सी एस थ्री सी कुछ, कुछ, कुछ एकाईलियम आएन. एकाईलियम आएन ये काम करता है तो फ्रोडलेशन करते हैं बट बट क्या होता है फिनोल जो होते हैं दे डू नॉट लव फ्रिडल रिएक्शंस, क्योंकि उनके पास वो जो लोन पेयर होता है उसके साथ वो क्या करते हैं आपका एसिड-बेस का जो संबंध है उसको ज्यादा स्थापित कर लेते हैं क्योंकि ये लुइस बेस है और ये लुइस आपका क्या है एसिड है तो वो क्या करते हैं फिनोल जो है फिनोल्स डू नॉट लाइक टू शो रिएक्शन लाइक एनिलीन पिनोल हो गया एनिलीन हो गए, इथर्स हो गए फिनोल हो गया एनिलीन हो गया और आपका क्या हो गए क्या बोले अल्कोक्सी बेंजीन यानी इथर्स अल्कोक्सी लिखेंगे अल्कोक्सी बेंजीन ये जो होते हैं हमारे जो हैं डू नॉट लाइक आपका एफ सी आपका क्या रिएक्शंस समझ आ रही है ना रही बाहर ये नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये क्या चीज है ये दोस्तों जो आपकी मेरी सबकी लवेबल रिएक्शन इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन जो मैंने कहा था सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है ठीक है तो जो प्रोडक्ट जो बनेगा आपके सामने बनाने में जा रहा हूं वो क्या बनेगा वो आपका एस्टर बन जाएगा एस्टर बनाने की फिनोलिक एस्टर इसे कहते हैं क्या बोलते हैं इनको फिनोली एस्टर्स इनको क्या बोलते हैं हमारा क्या फिनोली एस्टर्स फिनोली एस्टर्स फिनोल ये फिनाइल एसिटेट है फिनोली एस्टर अब कुछ समझ में आया क्या होगा अब कुछ समझ आया क्या होगा फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन यस आप देखो कुछ थैंकफुल होना चाहिए मैंने एक क्लास और लगा दी मेरी टीम का आपको ये रिएक्शन में नहीं करा पाया था कितनी रिएक्शन करा लूँ यार मैं फ्राइज रिअरेंजमेंट फ्राइज रिअरेंजमेंट रिएक्शन में हीट होता है इसके अंदर दोस्तों इट गिव्स यू मिक्सचर ऑफ आपका क्या एल्डिहाइड्स एंड कीटोन वो मिक्सचर ऑफ कीटोनस ऑर्थो एंड पैरा ऑर्थो एंड पैरा इसमें प्रोडक्ट बन जाते हैं ठीक है दोस्तों मेरे जो है ये ओ OH एच आ गया और ये आपका सी ओ सी एस अरेंजमेंट वन ऑफ द वेरी फेमस रिएक्शन एम ई कर लेता हूँ इसमें और आपको ये फिनोल ठीक है जी मैं बता दूंगा आपको सिक्सटी डिग्री पे ये बनता है

टाइट की आपका डिस्क से निकाल के रैम में डाल दी अब नहीं बोलते अब नहीं बोलते कैश मेमोरी अब नहीं बोलते अब कर लेते हैं इसके बाद ये जो कंपाउंड है सर कौन से कंपाउंड की बात कर कर रहे हो नीचे सर्कल कर लो इसको ठीक है जी ये वाला ये कंपाउंड की बात कर रहे हैं एक ही बात है कह रहा है इट इज लेस एसिडिक आपका कह रहा है इट इज लेस एसिडिक इन फिनोल एक तरह से ये ठीक नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसके पैरा में क्या लगा हुआ है आपका कौन सा लगा हुआ है

ये आंसर भी रॉन्ग हो गया डिग्री जो है वो आपकी क्या है फाइव है दोनों में सेम होगा फर्क नहीं पड़ेगा कह रहा है इट रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म टेट्रा टेट्रा ये देख लेते हैं ब्रोमो प्रोडक्ट बनाएगा बनाएगा या नहीं ठीक है जी देखें कैसे होगा ध्यान से देखो ये वाला ये जो है ये ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो यहाँ तो आने नहीं देगा ये को भी डेट टूट गया तो इसका मतलब टेट्रा बन ही नहीं सकता ये दोनों ब्रोमिंग घूज लेगा तो ये भी हो गया ये डाई ब्रोमो बनेगा

तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका ये भी रॉन्ग हो गया फोर्थ पे आते हैं एच ये ये, ये वो है लु, 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 लुकास टेस्ट लुकास टेस्ट बेंजाइल को फास्ट टेस्ट करते हैं लुकास टेस्ट के अंदर सब्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है ये आपकी एस वन रिएक्शन होगी ये आंसर हो गया ये आपका ब्रिज हेड कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं ब्रिज हेड तो ये बॉन्ड यहां से टूट नहीं सकता ये ना एस होगा ना एस होगा एस और एस

वर्कशॉप तो मैंने एक और बनाई थी वो मैं आपके सेकंड में लूंगा ऑर्गेनिक की एक मैंने बनाई है क्वेश्चन की मैं सत्तर क्वेश्चन की वर्कशॉप बनाई है तो इकट्ठे घंटे तीन घंटे क्लास लगाएंगे सेशन टू के लिए उसमें भी रिविजन हो जाएगा उसमें ये क्वेश्चन रखा था मैंने वहीं से निकाल के लाया हूं अगर ये कंसेंट्रेटेड एच प्लस है तो आपको क्या दिखना चाहिए ठीक है दिख लेते हैं क्या दिखना चाहिए उसको ये दिखना चाहिए ठीक है तो उसके बाद क्या दिखना चाहिए फर्स्ट स्टेप में दूसरे स्टेप में माइनस वाटर दिखना चाहिए भैया आप एक्साइटेड से लग रहे हो मैं एक्चुअली हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ मैं एक्साइटेड स्टेट में हुआ था ठीक है जी तो क्या आ जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा तो इतनी खुशी हो रही है मुझे भी तुम्हें खुशी हो रही होगी क्यों खुशी हो रही है भैया ये हो गया क्या करता है वो रीअरेंज करता है बिल्कुल सही कह रहे हो वो जब आपका रीअरेंज करेगा तो क्या बनेगा वो जब रीअरेंज करेगा तो क्या बनेगा सोचो ना अब ये यहाँ आएगा ठीक है जी यहाँ पे आएगा तो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां बन जाएगा और प्लस चार्ज क्या आ जाएगा यहां आ जाएगा अब ये रिएक्शन में क्या दे रखा है कुछ दे रखा हो कोई सब कोई इसमें न्यूक्लियर तो दे नहीं रखा जब न्यूक्लियर नहीं दे रखा तो क्या होगा यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो एज ए प्रोटोन बन के लूज हो जाएगा और ये बेनजीन रिंग बन जाएगा बल्ले बल्ले तो ये बड़ा एक तरह से रीअरेंजमेंट अलग रीअरेंजमेंट है टू तो गिव यू बेन्जीन रिंग तो अपने आप में ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया ठीक है जी कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को भी नहीं सोच पाते हैं उनको मेरा थैंकफुल होना चाहिए ठीक है जी तो ये भी आंसर जो क्वेश्चन के वे लौट के आ जाते हैं हमें क्वेश्चन तो का आंसर भी करना है ना आपने तो कहा था आंसर की मैंने लाइफ नहीं है जिंदगी में कुछ जो है तो बेसिकली क्या हो गए इसमें देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर खाली टू हो गया ठीक है दो ही सबूशन रिएक्शन है ये भी इंटरेस्टिंग है आप ऐसा समझा करो न्यूमेरिकल वे क्वेश्चन में आंसर हमेशा ज्यादा ही होगा जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है टू भी हो सकता है थ्री भी हो सकता है थैंक यू वेरी मच तो आई एम एन्जॉइंग द क्लास आई होप यू आर ऑलसो एन्जॉइंग एक घंटा हो गया मुझे तो पता ही लगा ठीक है जी आओ जाओ ये क्वेश्चन जो भी हाँ इंटरेस्टिंग है ये उसमें है उसमें टाइप ही नहीं हो पाया क्वेश्चन मैं है ये, 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 ये. तो यहाँ से मैं उठा उठा के इसको निकाल के करा रहा हूँ विश्वास हो जाएगा मैं क्या करा रहा हूँ आपको ये पता लगना चाहिए थोड़ा मार्केटिंग है ना मार्केटिंग में थोड़ा दिखाना ही पड़ता है यार चीजों को जो है मैं बता रहा हूँ जितने भी सिंपल टेक के बच्चे हैं इंडिया के जिनको लग रहा है कि मेरे को सौ नंबर भी नहीं आएंगे में। अगर वो हमारी ये मैराथन की क्लास सारी कर लेते ना मैं गारंटी दे रहा हूँ उनके एक सौ तीस चालीस नंबर आ जाते हैं हो जाते और उनको कोई कोई इंजीनियरिंग मिल जाती है अपने दोस्तों को बोलो यार जिनसे कुछ हो नहीं रहा मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ उस टाइम पता नहीं, नहीं कहाँ बैठे हैं अजीब अजीब भी लोगों क्लास में बैठे हुए है। हैं इतने बड़े बड़े जो उनकी क्लास में कोई फायदा नहीं हो रहा ठीक है जी देखो ये मेरा फेवरेट आपका भी फेवरेट हो जाना चाहिए बिल्कुल बन रहा है आई टी में पता है क्या हो रहा है जब दो सेट ऑफ एग्जाम हो जाता है और इतने सारे पेपर बनने होते हैं, सेशन सेशन टू, तो उसके तो उन्हें के लिए कभी भी आएगी किसमें आपका जेई में क्योंकि ये रीजन नहीं मानते थे बेस। आप समझ रहे हो? खास बात क्या इसकी है इसकी ये ये स्टोरिकली हिंडेड बेस है जो प्रोडक्ट को मेजर बनाने में बिलीव करता है बल्कि बेस बल्कि आपका बेस तो ये क्या करता है ये क्या करता है ठीक है ये प्रोड्यूसिस हॉफमैन प्रोडक्ट एज मेजर प्रोड्यूसिस हॉफमैन टर्मिनल टाइप के अल्किन जो होते हैं जिनका बीटा हाइड्रोजन प्राइमरी होता है उनको प्रोड्यूसिस हॉफमैन प्रोडक्ट एज आपका क्या मेजर ये वाली चीज तो कैसे 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 क्या होता है या क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट्स Less hindered, less आपका क्या हिंड बीटा हाइड्रोजन प्राइमरी टाइप प्राइमरी बीटा टाइप ये अब इस क्वेश्चन में देख लेते क्या चीज है अब इस क्वेश्चन में वो ये वाला कंपाउंड बना रहा है ठीक है जी तो इस क्या चीज है अगर आप ध्यान से देखो ये भी कंफ्यूज होगा ये भी तो हमारी तरह ही है ये भी तो स्टूडेंट ही है ये, इस, ये, ये ये तो अल्फा है तो अब इसके अंदर क्या है आपका इसके अंदर क्या है एक तो ये बीटा हाइड्रोजन हो सकता है अब इसके अंदर एक ये बीटा हाइड्रोजन हो सकता है ट्रेश बुटोक्साइड है अगर आप ध्यान से देखो इसमें बहुत ज्यादा ना मतलब तकलीफ नहीं हो रही है मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा शायद प्रॉब्लम नहीं हो रही है. अगर मैं ट्रेश बुटोक्साइड हूं दिया है इसको निकाल सकता हूँ कहा रिंग है ये इसको निकाल सकता हूँ अजीब सा लग रहा है मतलब इसको भी निकाल सकता हूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ठीक है इसको निकाल सकता हूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ठीक है मान लो मान लो अगर मैंने ये वाला निकाल लिया चलो ये वाला कौन सा निकाला मैंने आपका जो है देखना जल्दी जल्दी मत करना जल्दी मत करना कि ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकाल दिया ये वाला बीटा निकाल दिया अब पिछली क्लास में कराया था पिछली क्लास में कराया था मैंने कि ये क्रॉस कंजुकेशन प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट ठीक नहीं बना है पिछली क्लास में बताया था तो इसका प्रोडक्ट जो ठीक कौन सा बनना चाहिए जो उधर से निकालेगा उधर से निकालने का मतलब क्या है ये ये तो इसको यहां से निकालना चाहिए ये वाला तो ये एक्चुअल में आंसर बनेगा ये आंसर क्या बनेगा अगर ये आंसर नहीं बना तो आपका फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाएगा ये ऑटोमराइज कर जाएगा ये कर जाएगा तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी आपका क्या बन जाएगा ये बेंजीन रिंग बन जाएगा ना इसमें फिनोल बनेगा ठीक है समझ रहे बात को समझने के बाद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग होते हैं मैं तो निकाल ही छोटे क्वेश्चन रहा हूं अगर आप किताब उठा के बैठ जाओ आप पागल हो जाओगे आपको तो दो दो एक यार तीन तीन हजार क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको पकड़ ही नहीं आएगी ज्यादा किताब करने का मतलब समझ नहीं आता क्यों इतने क्वेश्चन कराते हैं संसार के अंदर पूरे इंडिया के अंदर मास लेवल में बेखूफी चल रही है पॉलिटिशियन का तो हम नाम है मैं सही बता रहा हूँ पॉलिटिशियन का तो नाम है मुझे सब पीटेंगे कोचिंग वाले मिल गए किस दिन बंधु मतलब ट्रक चढ़ाएंगे फिल्मी स्टाइल के अंदर कि मैं बता रहा हूँ पॉलिटिशियन फिर भी क्या है कि दे दे आर आर देर पीपल वो गलत काम करते हैं कोई छुपा नहीं है सबको मालूम है लेकिन जो ये टीचिंग कम्युनिटी है, है ये तो कमाल की कम्युनिटी है ये तो बच्चे का मास मास लेवल लेकू बना रहे हैं मुझे मालूम है जितने भी टीचर ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे दे विल स्टार्ट हिटिंग मी में डरता नहीं और जो आदमी अपने बाप से नहीं डरता ना वो किसी से नहीं डरता क्वेश्चन खत्म हो गया ये पूरा तो हो ही नहीं क्वेश्चन ठीक है पूरा तो हो ही नहीं क्वेश्चन ये तो ए आया है आपने क्या करा है अरे यार भैया आपने कॉल सिलेक्ट रिएक्शन तो करी नहीं आप रिवीजन करा के जा रहे हो और कॉल रिएक्शन नहीं कर रहे शर्म नहीं आ रही आपको जो है आप कहा करा तो रहा हूं सोच के तो आया हूं आज सोच के तो आया हूं तो मैं तो ऐसी मस्ती के मूड में रहता हूं हमेशा तो ये आपको थोड़ा मुस्कुराड़ आनी चाहिए कि यही रिएक्शन थी ये कराई ये भी सैली मैंने करा ली आपका H प्लस करके आपका क्या सैली सैलिक एसिड और तो ही मेजर होता है सैली सैलिक एसिड आप समझ रहे हो ना कॉल रिएक्शन मजा आता है ना जी आपको जो इस ये इस छोटे क्वेश्चन से मैं क्या कर लेता हूँ ठीक है अभी जो टाइम है हमारे पास ठीक है देखें साढ़े साढ़े छह सात ठीक है अब ये देखें दिस इज मतलब इंटरेस्टिंग है ये बहुत ही पॉपुलर सा स्ट्रक्चर है जो बहुत मेरे ख्याल मैं भी दस पंद्रह साल से करा रहा अभी दो तीन साल पहले ही मुझे पता लगा इसके नाम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे मेरे इसके नाम में क्यों इंटरेस्टेड हूँ मैं कोई इंडस्ट्रियल केमिस्ट नहीं हूँ कि टर् टर्न टर्न ओल

This is कहरा सेंटर साफ दिख रहा है तो इसका मतलब हो क्या होता है आपको मालूम हो क्या होता है पर्पल कलर का होता है इसका जो कलर डिस्चार्ज करता है तो यहाँ पे बायर टेस्ट रीजन तो टेस्ट, टेस्ट है ठीक है तो ये इट विल फॉर्म ट्राइयल है ट्राइल बनाएगा क्या हाँ एक तो ओल पहले ही एक पे ये रहा दो ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगी किसान क्वेश्चन आपने बना रखा है एच बी आर होता है तो एच बी आर से क्या होगा ये हट जाएगा यहाँ बी आर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा बी आर आ जाएगा डायब्रोमाइट बनना चाहिए डाइब्रोमाइट बन रहा ठीक हो गया

What will be the product if excess of HBr reacts with it? पहले हम इसको OH से अटैक करते हैं या चलो पहले बी आर से कर लो यार मजा आएगा देखो सही, यार मजा तो आएगा ठीक है ये बहुत आसान है मार्कोवनी का पोजीशन आपको मालूम है कौन सी पोजीशन मालूम है दिस इज मार्कवनी का पोजिशन This is anti जी? कि जो होती है उस जगह पे ही बी आर आता है तो इसका मतलब क्या होगा ये जो बी आर है वो यहाँ पे आ गया। ये बी आर आ गया तो ये तो एक चलो हो गया ठीक है जी आपको दिख रहा है ना क्या हो रहा ठीक है अब दूसरा बनाते हैं इसके अंदर अब इसके अंदर क्या करते हैं एच बी आर को ओ एच पी करते हैं एच बी आर को ओ एच पी किया तो माइनस में क्या आ गया वाटर आ गया ठीक है जी? जी आओ जी आओ दोस्त

आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजन एक दो तीन चार पांच छः इसके अंदर दिख रहे हैं आपका एक दो तीन चार और पांच पांच दिख रहा है तो ये रीअरेंजमेंट हम हाइड्राइड शिफ्ट से कर सकते हैं ये पूछ की गलत हुई तो ये इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था ये हाइड्राइड शिफ्ट अगर ये इवन होता है इतना चक्कर ना पड़ता इवन में क्या होता है प्रोडक्ट में गलती नहीं होती है में क्या होता है प्रोडक्ट जो है ना वो सटजेप बनता है ना तो इतना पकड़ में नहीं आता है आप रहे हो ना? लेकिन तो इतफाक से एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन मैंने आपसे यहाँ पे कर लिया ठीक है आई होप यू एंजॉयड मतलब एक छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर भी मैं चीज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपके माइंड जैसे ज्यादा से ज्यादा माइंड आपका शार्प होता चला जाएगा ठीक है इसको देखेंगे ठीक है इसको देखेंगे ये मेरे को सिर्फ रिवाइज करानी थी इसको पता नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन ये बहुत पुरानी रिएक्शन है हमारे टाइम में बड़ी पॉपुलर होती थी इसको हम जो है दोस्तों गेटरमैन एलडीएड सिंथेसिस कहते हैं इस रिएक्शन को हम कहते हैं गेटरमैन एलडीएड सिंथेसिस

एक मॉलिक्यूल जो है आपका प्यारे दोस्तों ऑक्सीडाइज हो जाएगा जो एसिड बन जाएगा दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा दोस्तों वो रिड्यूस हो जाएगा जो आपका क्या अल्कोहल बन जाएगा ठीक है वो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका क्या अल्कोहल बन जाएगा किसी को भी एक्स मान लो किसी को एक्स गिव्स वाइट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट तो ये अभी बताया था मैंने कि ये वैसे बताऊं दिस इज नॉट ए वेरी ट्रू चीज जहां से मैंने कोर्स लिया है क्वेश्चन लिया है मैं बता दूं ये वाला क्वेश्चन मैं सोचता तो रहा सुबह से ये क्वेश्चन जो है मैंने एन टी अभ्यास से लिया तो मालूम है बेंजाइल अल्कोहल जो है जो जितनी टॉप राइटर्स की बुक है वो कहती है दे, दे, उनके अंदर लुकास टेस्ट को हम कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि बेंजाइल कोल में जो ये जो पार्ट होता है ना ये सी एच टू ओ एच होता है ये पार्ट जो होता है ये वाला पार्ट जो होता है ये ना वाटर हाइड्रोफिलिक होता है तो ये थोड़ा डूब जाता है पानी में जो चीज़ पानी में नहीं डूबती जो अल्काइल हेलाइड है, जो अल्काइल क्लोराइड पानी के सरफेस पे तैरते हैं वो फाइट फ्यूज बनाते हैं वो होता है टर्बिडिटी तो इसलिए इसमें ना बड़ा डिस्प्यूट होता है तो अभी पता नहीं इन्होंने बना लिया है बहुत सारे राइटर हैं जो इसमें ऐसी कुछ बात कहर करते हैं क्या कि यार ये सही है। अगर लुकास इसे, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ऐसा तो मैं मान लेता हूँ ठीक है जी तो इसका मतलब एक्स जो हो गया वो आपका क्या हो गया वो अल्कोहल हो गया तो नेचुरली ये वाई हो गया अब देख लो वाई के बारे में कौन सी रिएक्शन ठीक है ठीक है बड़ा आसान काम है ऊपर देख लो एक्स एक्स इज पैराहाइड्रो क्या पूछ रहा? रहा है वाई पूछ रहा है पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बेसिकली ये वाई है पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड काम ही खत्म हो गया इतना आसान कर दिया किसी ने मेहनत नहीं कराई हमसे ज्यादा ठीक है जी और ये आंसर बन गया ये बन गया इसका ठीक है जी ये आंसर बन गया हो गया काम जो है आसान चलो छोड़ो ये क्वेश्चन को देखते हैं ये करना जरा आप ये आप कर लो मैं आपको जो लोग बच्चे हैं लाइव उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है ठीक है इस क्वेश्चन को जरा करके देखने की कोशिश करना इसको करने की कोशिश करना और का और उसका आंसर देखता हूं एक मिनट रुकना ठीक है जी हो वन सेकेंड देखें ये क्या होगा थ्री करेंगे तो ऑब्वियसली क्या है यार तो बड़ा आसान है।, है? है क्यों आसान है बताओ क्यों आसान है क्यों आसान कह रहे हो कि भाई एक ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है एक दोनों भी दूसरे ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है तो पैरा पोजिशन ऑक्यूपाइड है तो नेचुरली क्या आ जाएगा नाइट्रो यहाँ पे आ जाएगा अब ये कौन सी रिएक्शन है वही है फिर ये ए आर एस एन टू रियक्शन जिसको बहुत सारे राइटर एस एन टू ए आर भी लिखते हैं ठीक है थीके? तो अब क्या होगा जो ये वाला सी एल है वो क्या है उसके ये ऑर्थो पे है तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आसान था मैंने फिर इसलिए डाला क्वेश्चन चलते हुए चलते हुए ये क्वेश्चन इसलिए डाला कि यार इस तरह का क्वेश्चन जो है ना मैं बता रहा हूं बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही कितनी बार बोलोगे जब तक आप दिमाग में इसको घुसा नहीं लोगे ठीक है जी क्या यस yes. ये इसका आंसर हर साल क्वेश्चन आता है हर साल क्वेश्चन आता है तो मैं अगर उसके पांच छह क्वेश्चन भी ना कराऊं पांच छह बार ना रिवाइज कराऊं तो काम होगा अब देखें बिल्कुल ये इससे बेटर क्वेश्चन है ये वाला ये अभी 2021 22 का ट्रेंड है ये वाला ट्रेंड जो है ये 2019 तक का ट्रेंड था ये 19 तक का ट्रेंड था ये 2021 लास्ट 3 ईयर का ये ट्रेंड है लास्ट थ्री ईयर का ये ट्रेंड है तो बड़ा सा क्वेश्चन है इसके अंदर और बल्ले बल्ले है एनोडू दे रखा है एनोडू दे रखा है पिछले क्वेश्चन के नेक्स्ट किया है तो फ्लो अच्छा बना हुआ है तो ये फ्लोरिन हट जाएगा किससे हटेगा ये वाला ये कौन सा ग्रुप है ये मरकेपटाइड ग्रुप है मर इसको क्या बोलते हैं मर कैप्टाइड आइन बोलते हैं मर कैप्टाइड मर कैप्ट कैपटाइड आइन मर आइन आइन ठीक है जी तो क्या हो जाएगा ये ये हट जाएगा बिल्कुल ठीक है अभी दो इक्विलेंट ये हिट था जरूरी नहीं है एग्जाम में दो हो मैं बता रहा हूं मेरे दोस्तों तुम सोच रहे तुम्हें भैया भैया पागल टाइप का आदमी है मान लो मुझे पागल तो ये एग्जाम में मुझे लगता है ये जरूरी नहीं है कि होगा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि होगा प्लीज मेरी बात मान लो जरूरी नहीं है होगा तो बेसिकली मैं आपको सर्कल करता हूँ जो ग्रुप इसमें हटेंगे ठीक है जी ये ये, 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 तो छोटा ये वाला ग्रुप हटेगा जिसमें कोई डाउट नहीं है और इसके अंदर ये वाला ग्रुप हटेगा क्योंकि ये क्या है आपका सबको मालूम होगा बेंजाइल तो इसमें जो रिएक्शन होने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन सी होने वाली है बेंजाइलिक में वो बेंजाइलिक में रिएक्शन होने वाली है एस टू क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे जो हटने वाला है ये वाला इस जगह पे मजा नहीं आया बिल्कुल एर, इस जगह पे जो सब्सटीट्यूशन होगा वो कौन सी होने वाली है आपकी ए आर एस एन टोशन होने वाली है तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का इस टाइप का तो स्ट्रक्चर देखें पहले वाले में क्या है ये हटा है पहले वाले में ये हटा है ठीक लग रहा है लेकिन ये नहीं हटा दूसरे वाले में क्या है एफ में ऐसे ऐसा ये आंसर हो गया आंसर हो गया जी मुबारक हो आंसर हो गया मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो ये आंसर हो गया देखने की जरूरत ही नहीं

रेजोनेंस है ठीक है जी अलाउ 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 मी 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 अलाउ मी अलाउ मी अलाउ मी टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ठीक है जी ठीक है ये वाला तो जो बच्चे थोड़े स्मार्ट है ना वो, वो इसलिए एग्जाम वो में क्वेश्चन कर पाते हैं वो थोड़ा स्मार्ट और थिंकिंग करते हैं रिलैक्स थिंकिंग करते हैं तो वो ऐसे सोचेंगे इसके अंदर कि पहले कि यार ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ जा सकता है ना वहां जा सकता है तो इस वाले स्ट्रक्चर को बनाने की वो सोचेंगे ठीक है तो उन्हें ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा रेजोनेंस को अब टोटली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा बना रहा हूँ मैं मैं जो चीज सिंपल है मेरा फोकस है मुझे डबल बॉन्ड कैरेक्टर सोचना है तो मैंने और मुझे सबसे बड़ी चीज है अगर मैं थोड़ा स्मार्टली थिंकिंग कर रहा हूँ

ये 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 वाला स्टेबल ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है है और ये स्टेबल नहीं होता है ये मैं एरोमेटिसिटी पढ़ाने का अभी नहीं ले रखा मैंने ये वाला तो आप देखेंगे ये 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 जो है ये स्टेबल नहीं होता है ये स्टेबल होता है तो वहीं से मुझे आइडिया आना शुरू हो गया कि इलेक्ट्रॉन को सारे को इधर ले जाओ इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाओ तो यहाँ तो ए प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये जो है आपका क्या यार एरो उल्टा करना था उल्टा करना था यार। जाएगा ये, ठीक है जी तो इधर ये 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 क्या आ जाएगा आपका आपका माइनस और वाला वाला। जो है प्लस तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा फाइनली वो क्या बन जाएगा वो ये आ जाएगा देख लेते बट डबल बॉन्ड बॉन्ड

बनने ही बनने है। ये ओ एच ये है ये कौन सी रिएक्शन है आपका ये कौन सी रिएक्शन है ये तो वो रिमोट रिमन रिएक्शन है एल डी एड बनना है इसमें एल डी आई डी पूछ लिया है पैरा बना लिया मैंने और बना लो ठीक है जी तो ये भी आंसर हो गया ठीक है तीसरा क्या है कॉपर है डीहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजनेशन यस एल्डिहाइड बनेगा ठीक है ये कैसे एल्डिहाइड बनेगा देख तो लो बड़ा आसान है एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन ठीक है जी तो हो गया एल्डिहाइड क्या हो गया एल्डिहाइड हो गया कार्बन कम बना दिए भैया ने कैसी बात कर रहे हो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर खत्म एल बन गया पांचवा ये क्या पीसीसी सेम पीसीसी क्या है फॉर्म्स एल फॉर्मल्डिहाइड ठीक है ये बनेगा अच्छा नीचे पहुंच गए पहले मेरे को वनचलेन देख लो सीर ओ बड़ा जबरदस्त है एज लॉन्ग एज दिस इज देयर इट डज नॉट ऑक्सिडाइज एल्डिहाइड अगर वाटर करते काम खदा हो जाता काम की चीज है इट डज नॉट ऑक्सिडाइज सीएचओ ग्रुप समझ रहे हो ना इसलिए ये आंसर हो गया लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ही इसी क्वेश्चन में ही अगर हम आपका मेरे दोस्तों सी आर ओ थ्री अब्लिक वाटर ले लेते दैट सिंपली बिकम्स एच टू सी आर ओ फोर दैट वुड हैिवन वन टू थ्री फोर ओ एच और ये वो जो मुझे बना देता दोस्तों क्या वन टू थ्री फोर और फोर पे क्या बना देता एसिड बना देता ठीक है जी कारण क्या है ये आपका ऑक्सीडाइज

तो इसलिए देखो मीनिंगफुल क्वेश्चन है मेरे को तुम बेवकूफ समझते हैं कुछ लोग और उनको समझ रहे हैं जो जो जिनको बेवकूफ जो बेवकूफ बना रहे हैं उनको समझ रहे हैं समझदार जो हम समझदार हैं उनको समझ रहे हैं बेवकूफ किटोन बनेगा ये तो वही आपका जिसको बोलते हैं आपका कॉल गेटरमैन कॉच सिंथेसिस साला क्या बोल रहा हूं मैं गेटरमैन कॉच सिंथेसिस कोच, CS3, क्या बन जाएगा पैरा टू लाइल बेनजोपेरा सी एस थ्री इज आया मजा यस ठीक है जी और ये क्या है ये तो अभी ये तो वही है अभी जो हमने वही है तो फ्राइज रीअरेंजमेंट है तो कि किटोन बन जाएगा इसमें भी क्या बन जाएगा फ्राइज है काफी ये बढ़िया सा हमारा ये क्वेश्चन था समझ रहे हो ना काउंटिंग कर लेना कितनी है जो है एक दो तीन एक दो तीन चार पांच छ छ आंसर हो गया तो देखो एक दो तीन चार पांच और छ ये आंसर हो गया बढ़िया क्वेश्चन है ये

इड्स एंड कीटोन्स टू बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है जी तो कोई परेशानी नहीं है तो अगर हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं ऊपर वाले प्रोडक्ट को देखते हैं जो हमारा ये प्रोडक्ट दिख रहा है ये हमारा ये प्रोडक्ट दिख रहा है तो मोस्ट स्पॉन्टेनियसली हमें जो है वो क्या दिखता है कि ये सी एच टू यानी क्या है कि ये ये हो गया ये हमें दिखता है आप समझना ये बड़ा नेचुरल है ये चीज जो है बहुत ही नेचुरल है जो ये मैंने यहाँ तक लिखा है इसको आप समझने की कोशिश करना इट इज वेरी नेचुरल इट इज वेरी नेचुरल इट इज वेरी नेचुरल वेरी वेरी नेचुरल ठीक है जी ये क्वेश्चन में जेई मेस के क्वेश्चन में कई एग्जामिनर बहुत मेहरबान होता है तो इसने मेहरबानी क्या दिखा दी कि वन और टू कर दिया जबकि एस सी एल ऑलरेडी यहां मौजूद है अगर ये आई एडवांस का क्वेश्चन होगा फिर मैं एक अजीब चीज करूंगा थोड़ा परेशान मत होना बिल्कुल परेशान मत होना बिल्कुल मैं अजीब चीज करने वाला हूँ मेरे हिसाब से नहीं दी जाएगी ये आई डी एडवांस आई डी एडवांस में सिर्फ इतना दिया जाएगा इतना दिया जाएगा तो उसके मद्देनजर उसके मद्देनजर हिंदी बोल रहा हूँ मैं अंडर द ऑफ दैट दिस विल बी रॉन्ग आंसर दिस विल बी रॉन्ग आंसर तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैं बनाने जा रहा हूँ आपको ठीक है जी आंसर क्या होगा ये होगा ये जो डबल बॉन्ड है ये तो हो जाएगा ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा इसके अक्रॉस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा तो यहीं पे मेरे प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों सी एल आ जाएगा अच्छा नहीं आता स्ट्रक्चर बढ़िया ना बोलें तो ये वाला समझ रहे हो ना ये वाला क्या ये तो हो जाएगा एच और ये हो जाएगा सी एल ये कहना चाह रहा था ये इसका करेक्ट आंसर होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा तो अंडर द गिवन आंसर वो चॉइस लिस्ट के हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा समझ आ रही है बात आपको सबको समझ आ रही है नहीं आ रही बात आपको सबको जो है समझ आ रही है नहीं आ रही है आपको बात जो है ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं थर्टी वन थिंक करें इस क्वेश्चन को ये 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 भी भी मुझे करना चाहिए था, 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 आया आया सब चीजें होती है, ये भी बीच में तो मैंने कहा था तुम्हें कि जो मैंने एक वर्कशॉप बनाई है तो इसलिए थर्ड क्लास लगाई ठीक है जी, तो अगर आप ध्यान से देखें ये जो पॉजिटिव है यहां से मैं अपना क्या अंदाजा लगाऊंगा मैं क्या सोचूंगा इससे मैं क्या सोचूंगा पॉजिटिव है मतलब ठीक है जी क्या उंड इज कार्बोनल कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आपका क्या ठीक है ये पॉजिटिव है पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया है आपका कि ये जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ओसी इज आपका क्या NLD. आप सबको मालूम है कि किटोन जो होते हैं फेलिंग सोलूशन टेस्ट वो नहीं देते हैं बड़ा सिंपल हो गया

मैना उड़ तोता उड़ भैंस उड़ भैंस उड़ गई एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा वो नहीं होगा क्यों बहुत ही फेमस चीज होती है आपको क्लियर होना चाहिए कि बेन्जल्डी हेड जो है ना आपका बेंजलडी हाइड जो है वो टॉलन टेस्ट तो देता है लेकिन फेलिंग सोलूशन टेस्ट नहीं देता मैंने पिछली क्लास में बताया था टॉलन टेस्ट को लिखने का एक यही बड़ा एग्जामिनर का फेवरेट स्टाइल होता है इसलिए जानबूझ के मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन लिया था तो ये इसको टेस्ट को तो देता है और सिल्वर मिरर बन जाएगा और पी एच सी ओ माइनस एन ए बन जाएगा ओ एन ए कह रहा हूँ अमोनियम सोल्ट बन जाएगा ठीक है जी लेकिन क्या होगा फेलिंग सोलूशन टेस्ट जिसको हम सी यू यू कहते हैं फेलिंग सोलूशन ये नहीं देगा तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने सोच सोचकर डाला था कि ये लोग ना बहुत सारे बच्चे जो है ना जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को मतलब गलत करते हैं टू इज द आंसर आपने देखा ये वो जो मैंने कह रहा था बचपन में खेलो चढ़िया उड़ मैं ना उड़ तोड़ भैंस उड़ चाटा पापा जी का खटाक देनी से क्यों गल पे ये गाँव की खेल होते थे बड़े जबरदस्त होते दीज गेम्स यूज टू मेक अस अलर्ट नॉट टेंस अलर्ट अलर्ट टन लग जाए किसी दूसरे आदमी का फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे थोड़ा सा दो मिनट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पायर को लिया है इन्होंने बेस की तरह फंडा ये होता है एक मेरे साथ भी ये चलने को सिखाना है एक कंपाउंड है एक्स हैं जी एक कंपाउंड है एक्स बिल्कुल जी एक्स है और उसके लिए ये एक स्टैंडर्ड सा रीजेंट होता है जिसको वो बोलते हैं ओ OH माइनस और आपका हीट ये एल्डोल कंडेंसेशन का होता है ये सिंबल जो होता है एल्डोल कंडेंसेशन का होता है इसी का तरह से अगर ये सिंबल जो है आपका H प्लस हीट होता है तो इवन डिहाइड्रेशन का होता है स्टैंडर्ड से हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसके हिसाब से हम X कहते हैं हैंज कार्बोनिल ग्रुप और इसको हम कहते हैं कि X जो है हैज ओ ग्रुप दो फेमस रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है जी तो इसने एग्जामिनर ने क्या करा है ऐसे टू कंफ्यूज करने के लिए इसने बेस और ये आपका हीट डाल लिया समझ रहे समझ रहे रहे हो हो ये चीज इसने एक बीच में भैया ये भी दिया है ये समझ नहीं आया ये मैं बताता हूं किस लिए दिया है इसने कंपाउंड को देखो एस्टर है कंपाउंड को देखो आपका एस्टर है कंपाउंड को, को देखो एस्टर है तो अगर हमें एस्तरी प्लस दे रखा होगा वो इसने इसलिए दिया है कि हम इमीडिएटली क्या करें उसको एस्टर को ज्यादा देर ना रहने दें एसिड में कन्वर्ट कर दें ज्यादा देर ना रहने दें एसिड में कन्वर्ट कर दें तो इस क्वेश्चन को अगर प्यार से देखो तो ये क्या दे रखा है इसने पी सी एच ओ में प्लस ये जो कंपाउंड दिया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कीटो आपका एस्टर है कीटो एस्टर की खास बात क्या होती है कीटो एस्टर क्यों दिया है उसकी खास बात होती है कि उसका ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो ये एक तरह से मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है एसिडिक है ये बहुत मुश्किल क्वेश्चनों में से होगा जेई में इसके एडवांस के लिए भी ये अच्छे क्वेश्चनों में है एडवांस के लिए भी अच्छे क्वेश्चनों में से है तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है तो इसलिए ये जो होता है वो वही चीज है इन प्रेजेंस ऑफ पायरेडीन एज ए बेस तो क्वेश्चन ऐसे तो होना चाहिए था पायरेडीन होना चाहिए था ठीक है ये तो बेटर रहता और फिर ये आपका क्या होता हीट होता और फिर ये आपका क्या होता है एच प्लस होता है तो फिर ये क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ मालूम ही है बताया था मैंने कि जिस पे अटैक करते हो एल्डोल टाइप में क्या हो जाता है उसको उसका ऑक्सीजन जाता डबल बॉन्ड बना देता है और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसके अल्फा हाइड्रोजन पे वो अटैच हो जाता है अल्फा हाइड्रोजन पे और क्या दिख रहा है मुझे सी ओ ई टी ई टी क्या हो जाएगा एच हो जाएगा और नीचे क्या दिख रहा है मुझे आपका सीओ सी एस थ्री ये चीज इफ यू कैन एंजॉय दिस

आप समझ रहे हैं इसको ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एल्डोल ठीक है मेरे दोस्तों क्योंकि ये वो ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है तो इनोलेट टाइप आइन बनेगा ये क्या बनेगा यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा माइनस इस पर अटैक करेगा इस पर ओ चला जाएगा बाद में वाटर हट जाएगा हीट करने का मतलब क्या है यहाँ वाटर हट जाएगा इसका मतलब क्या है आपका क्या ऑफ एस्टर हो जाएगा ये कंपाउंड बन जाएगा ये वाला कंपाउंड ये बड़ा जबरदस्त कंपाउंड है ये बहुत खुफिया कंपाउंड बहुत कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ इससे मैं आगे इससे बहुत कुछ क्वेश्चन बना सकता हूँ तो अभी एग्जामिनर का ज्यादा मन नहीं था वो सोच रहा था कि बच्चों को जी में इसकी तैयारी चल रही है एडवांस होता था फोड़ा फोड़ी कर लेता तो उसने कुछ नहीं करा उसने कहा कि यार बड़े भैया ने आपको वुल्फ कृष्ण रिडक्शन नहीं कराया तो वो वो पूछना चाहता था अगर आप देखेंगे पीछे मुड़ के तो वही रिजन है एन एच टू एन एस टू ओ एच हीट एन एच टू एन एच टू ओ एच हीट नहीं होना चाहिए ये मैं ये ये फिर मैंने एन टी अभ्यास से क्वेश्चन लिया है अच्छे क्वेश्चन होते हैं बेटा जिनका स्कोर कम रह जाए 90 से नीचे रह जाए 95 से नीचे रह जाए जाएस वन के बाद वो एक महीने क्या करें एन टी अभ्यास के ऊपर निकाल के करें मैं भी कुछ क्वेश्चन निकाल के उसमें कराऊंगा मैं अपनी टीम को भी कुछ कह रहा हूँ फिजिक्स को केमिस्ट्री को तो रिविजन कुछ छोटा मोटा ऐसे रिवीजन क्लास लगा दिया करेंगे अब यहाँ के इंस्टीट्यूट में फिजिकल क्लास लगाना उठ के गर्मियों में आओगे कुछ हो गए घर में देख लो तो वो एक ऑनलाइन क्लास से ही थोड़ा बेटर चीज होगी तो क्वेश्चन का आंसर देखने में बहुत सिंपल लुकिंग हो जाता है ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मैं बहुत पिछली क्लास में बनाता रहा आपने देखा होगा ये आपका सी... क्या हो जाएगा ये ये, ये गलती होगी मेरे से गलती हो गई गलती होगी तो भूली क्या मैं अभी रुको अभी रुको रुको, 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 रुको। ठीक है जी इसमें एक चीज दे रखी थी इसमें एक चीज दे रखी थी हीट वाली ऊपर जो आपने देखी अब मुझे याद आ गया इसको यही रखेंगे ओए दोस्तों कई बार कुछ चीजें सही होती हैं टीचर जब कई बार कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें करता है रडी रडाई चीजें नहीं करता तो बच्चों का माइंड ना शार्पनेस होती है ज्यादा अच्छी टीचिंग का एस्पेक्ट होता है अपनी गलती छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ अच्छी चीज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें हाइड्रोलिसिस होगा हीट का मामला जो है ना वो बाद में देखते हैं पहले हाइड्रोलिसिस होगा ठीक है हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा मैं बताता हूं आपको आओ मेरा मतलब काम बन ही गया पूरा ही क्वेश्चन को इसको अच्छे से कर लेते हैं ऐसे बनेगा इसमें अब ठीक हो जाएगा ये अब देखो ये ठीक हो गया ठीक है, ये है अब ये क्वेश्चन बना इसको हटा देते हैं हैयड़ोलकोंडा जैसी अब ये हाइड्रोलिसिस हो गया है हाइड्रोलिसिस भी हो गया है तो हम इसको एच हो होगा अब इसमें दो चीज होंगी आपको देखना है दो चीज दो चीज एग्जाम इकट्ठी जा रहा है एक तो इसमें इकट्ठी जा रहा है कि इसमें ये हटेगा पायर जैसी चीज अभी पायर मौजूद है इसके अंदर पायर हटा नहीं है गलत हो रही है मेरा ना ऐसे ये ये इससे वाटर हटेगा वाटर किससे हटेगा ये आज के थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया इवन सी बी से हटेगा ठीक है ठीक है सी से हटेगा क्योंकि बेस चीज होता है पायरेडिंग इसमें अभी ही पड़ा है क्या थोड़ी ना है पायरेडिंग तो डिस्क की तरह है ठीक है अब ये हो जाएगा तो अब अगर आप ध्यान से देखें अगर आप ध्यान से देखें क्या बनेगा बढ़िया क्वेश्चन नहीं मैंने पहले कहा था आते ये डबल बॉन्ड आ जाएगा ये सी आ जाएगा ये सी ओ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा सीधे तो जो हीट पड़ा है कुछ और भी करेगा आप देख सकते हो क्या बिल्कुल देख सकते हैं क्यों क्यों देख सकते हैं ये अल्फा है मैं तेरी ये अल्फा है ये बीटा है ये बीटा कीटो एसिड हो गया तो ये क्या हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और समझ रहे हो डी हो जाएगा जब डी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये सी और सी ओ, गल जगह गल जगह हो जाएगा। क्या हो रहे? रहा है उधर लगाना था उधर ये डाला था किसी क्लास में किया नहीं था ये वाला तो अब ये क्या आ जाएगा हमारा पीएच आ जाएगा सी एच मजा तो आ गया वैसे मुझे आई एंजॉय सच थिंग्स ये सी एच सी क्या आ जाएगा ये लो मेरे कर में आ जाएगा ये सी एच आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा ये सी ओ सी एस 3 फोर्थ डिफ्यूज कंपाउंड कल भी ये बना था क्लास में बेंज़ल एसीटोन कहते हैं बेंज़ल एसीटोन में ये क्या कर रहा है ये जो पूछ रहा है ये वाली चीज पूछ रहा है जिसको हम बोलते हैं वुल्फ किसनर रिडक्शन मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर रहा है ये कर लो क्योंकि मेरे से इसमें हीट नहीं होती, इसमें ग्लाइकोल होता है जो कूलिंग इफेक्ट करता है तो आपको मालूम ही होगा आंसर क्या बन जाएगा अब ठीक है ये, सिंपल सा आंसर बन जाएगा पी एच डबल वन सी एच क्या हो जाएगा ये सी एच टू सी एच थ्री

अब इस कंपाउंड में हमने क्या करा कि इसको एनएच2 एनएच2 ये क्या लिख दें इसको ये वुल्फ किसनर रिडक्शन है जो कि की एल्डिहाइड कीटोन को किसन क्लेमसन की सिस्टर रिएक्शन है जो कि की एल्डिहाइड कीटोन को जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को वो इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलता है खत्म क्वेश्चन ठीक है जी देखें इस क्वेश्चन को

क्यों होता है तो सबसे पहले अब यहां देखेंगे ये यह मैंने लिखा है दिस इज इमाइन फॉर्मेशन दिस इज इमाइन फॉर्मेशन प्लीज ध्यान देंगे कि ये एसिड है वो सॉरी कार्बोनिल ग्रुप है पीएच 4 टू 5 में एच प्लस आयन है तो ये क्या हो रहा है ये आपका प्रोटोनेटेड ये मैंने समझाया था पिछली क्लास में कि प्रोटोनेशन करने से क्या हो जाता है एल्डिहाइड कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिक पावर बढ़ जाती है

कार्बोनिल ग्रुप प्रोटोनेट नहीं होगा तो करने की ग्रुप को प्रोटोनेट करेंगे, तभी तो जाके आपका वो जो, कार्बो, तो तो जो न्यूट्रल न्यूक्लियो फाइल है वो अटैक कर पाएंगे न्यूट्रल न्यूक्लियो फाइल जो है यहाँ अटैक नहीं कर पाएंगे अगर ये न्यूट्रल न्यूक्लियो फाइल ले, ले, ले लेते हैं हम दोस्तों वाटर ले लिया फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अमोनिया ले लिया फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल ले लिया ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये इस पर रिएक्ट कर पाएंगे इस पर रिएक्ट कर पाएगा अमोनिया इस पर रिएक्ट कर पाएगा वाटर सब पे लोन पेयर का खेल है इस पर रिएक्ट कर पाएंगे अल्कोहल ये तीन होते होते हैं होते हैं जो न्यूट्रल इसकी जबरदस्त रिएक्शन होती है इससे इससे बनते हैं हैं आपके क्या बोलते डाइहाइड्रेट ग्लाइकोल्स बनते हैं और इससे एसिटल्स बनते हैं एसिटल्स। ये तो अब क्या हो रहा है अगर पीएच लेस देन फोर कर देंगे तो ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये खुद प्रोटोनेट हो जाएंगे ये आपके क्या होंगे खुद प्रोटोनेट हो जाएंगे तो इनका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर जो है खत्म हो जाएगा ये क्या हो गए ये अभी क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज लॉस्ट न्यूक्लियोफिलिक नेचर इज लॉस्ट तो रिएक्शन ही नहीं होगी और कार्बोनिल ग्रुप प्रोटोनेट नहीं होगा अगर पीएच ग्रेटर देन फाइव कर लेंगे अगर पीएच ग्रेटर देन फाइव कर लेंगे प्रोटोनेट नहीं होगा प्रोटोनेट नहीं होगा देन इन दैट केस इन दैट केस इन दैट केस कहा अटैक कार्बोन तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ले लिया समझने की कोशिश कर रहे इसलिए लिया मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से इसको एक बार साथ कर लो इस क्वेश्चन को तो फिर हम देख लेते हैं ऑब्जेटी क्वेश्चन फास्ट हो जाते हैं।, इस हैं बहुत कुछ होता है इसमें कम रिएक्शन लगती है इसमें ज्यादा लगती है ठीक है ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि मैंने एडवांस एग्जाम के क्वेश्चन से निकाला ये क्वेश्चन मैंने एडवांस आप थोड़ा इसको फील करें थोड़ा फील करें क्योंकि ऐसी मैं रटवा दूंगा तो काम नहीं बनेगा ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकाल के लाया था वो आपके सामने है सही है एक मिनट सुन ठीक है ध्यान देंगे ठीक है ये जो क्वेश्चन है ना लिख लिया है हम हम एक बार बार थोड़ा जल्दी मत करना, एक मिनुण, एक मिनुण के जल्दी मत मत करना करना मिनट मिनट के कई ऐसे सोचते हैं कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है ए ये होता है, R, ठीक है जी और ये आपका प्रोडक्ट होता है पी और ये पिटा हुआ होता है साइड प्रोडक्ट एस तो ये साइड प्रोडक्ट जो होता है साइड प्रोडक्ट तो जब भी कभी आपके साइड प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है साइड प्रोडक्ट इफ साइड प्रोडक्ट इफ इट हैज एन ऑर्गेनिक फ्लेवर तो एग्जामिनर उसको एक्सप्लोर्ट कर सकते हैं इफ इट हैज एन ऑर्गेनिक फ्लेवर ठीक है इट बिकम्स इंपॉर्टेंट इट बिकम्स इम्पोर्टेंट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट जैसे कि आप देखेंगे ध्यान से जैसे फॉर एग्जाम्पल इस चीज के लिए हम ये रिएक्शन करते हैं आर एम जी पी आर ये चीज सीखनी है प्लस ठीक है जी और ये हम एक लेते हैं इसमें एस्टर एस्टर लेते हैं आर डेस्ट ठीक है तो ये क्या रिएक्शन होती है दोनों वेरी पॉपुलर एक्शन में से होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक आपका एलिमिनेशन ठीक है याद आया आपको जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसको छोड़ देते हैं अभी ये अपना भैया भैया ये सीओ आ जाएगा ग्रुप आ जाएगा ये और यहाँ पे जो है ना हम ये आर लगाते हैं ठीक है ये जो भी ग्रुप होगा जो भी होगा यहाँ पे जो भी होगा जो भी होगा हो जो भी होगा क्या होगा भैया ये जो भी होगा जो भी होगा क्या मतलब है? आर हो सकता है कुछ पी हो सकता है एच भी हो सकता है और साइक्लो भी हो सकता है जो और बहुत कुछ हो सकते हैं ठीक है तो क्या बनेगा ये जो एम गया उसके साथ ये अलकॉक्सी ग्रुप बन गया अल्कोक्सी ग्रुप आ गया अब तुम्हें मालूम है सबको कि ये जो कंपाउंड है ये जो कंपाउंड है हमारा ये वाला जो कंपाउंड है इट कैन फर्दर रियक्ट विद्रिक नाइट्रोजन इट कैन फर्दर रियक्ट विद्रिक नाइट्रोजन बल्ले बल्ले यस डूइंग नो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शानदार चीज करा रहा हूं मुझे डूइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इसको यहां भेज रहा है ठीक है ये देखते रहते हैं तो ये क्या हो गया ये क्या आ गया एक आर ये आ गया जल्दी ना करना ये सी पे ओ हो गया इसके साथ क्या गया? आ गया एम जी बी आर आ गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है वो एक फिलोसफी और माइंड को डेवलप करने वाली चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है ये अपना गोला कह रहा कर जो दोगे ले, ले लेंगे हम तो और आपका ये एक और आर आ गया ये आ गया और ये जो पहले से बचा हुआ है कौन सा वाला ये तो रहेगा ही रहेगा ये तो रहेगा ही रहेगा ये कहाँ गया है उड़ तोड़ा गया ये, ये उड़ थोड़ी ना गया कोई? आप समझ रहे हो ना ये उड़ नहीं गया बात है एसिडिफिकेशन कर देते हो आप बड़े खुश होते हो कि भैया ये, ये आपका ओ और चलो एच और ये जो गोले में आप पता नहीं क्या छुपा के ला रहे हो साला ये ठीक है जी अब मैं क्या ये कहूंगा ये साइड प्रोडक्ट है उसमें भी तो ये हाइड्रोलिस हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा ये एम जी ओ एच बी आर प्लस क्या आ जाएगा ओह ये रेड था रेड था रेड था रेड था पिंक था पिंक था पिंक था पिंक था पिंक था ठीक है ये क्या हो जाएगा ये भी तो एक अपना अल्कोहल बना लेगा इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसका दूसरा प्रोडक्ट भी अल्कोहल है मैं तो जब टीचिंग करता हूँ इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कुछ लोगों को याद होगा कुछ लोग तो खेल कुछ कुछ याद रखना नहीं चाहते हमें कुछ नहीं मालूम हम भूलने को पैदा हुए ये वाली चीज और ये वाली चीज दो अलकोल आए तो अभी इस क्वेश्चन में क्या था मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या था कि गिव्स ओनली ए सोल प्रोडक्ट अल्कोहल सोल प्रोडक्ट बी यानी ये दोनों सेम होने चाहिए सोल प्रोडक्ट बी ये होना चाहिए भाई समझ आया आपको सर पांच मिनट से दो मिनट ठीक है ये आपको समझ आया ये ये बेस्ट क्वेश्चन चल रहा आज का कि ये दोनों सेम होने चाहिए in तो सेम होने चाहिए तो सेम होने का मतलब क्या हो रहा है अब देखो ये वाली चीज सेम होनी चाहिए ये आर डैश बी दी ये दोनों सेम होने जी. समझ आ रही है समझ आ रही है आपको दोनों सेम होनी चाहिए अब वो क्या कह रहा है बी के बारे में बी के बारे में क्या कह रहा है ये क्या चीज़ है? आप ध्यान से देखो ये कैसे बना है ये बना है से। ये क्या है ये क्लोरो टेस्ट के लिए होता है ये क्लोरोफॉम फॉर्मेशन का रीजेंट है क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन रीजेंट है आप समझ रहे हो तो इसका मतलब है कि बी के अंदर बी मस्ट कंटेन सच अ ग्रुप सेकेंडरी वाला जो है ना ये वाला बी में आपका ये होना चाहिए और बी के अंदर क्या होना चाहिए या फिर ये भी चल जाएगा ये ये भी चल जाएगा ये भी चल जाएगा बेस्ड ऑन द कार्बन क्योंकि ये क्या बनेगा ये क्या बन रहा है ये क्या बन रहा है ये क्या बन रहा है ये इथाइल अल्कोहल से आ रहा है अरे क्लोरोफॉर्म रिएक्शन और हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन ये की तो है अल्कोहल है ये क्या दे रहा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है अल्कोहल बन जाएगा फाइनली है ना ये वाला, ये ये वाला वाला अल्कोहल चाहिए ना सोल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा अल्कोहल से अल्कोहल ही तो बनता है ये बोला आप देख लो इंटरेस्टिंग चीज है नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग तो वो जो आर डैश है वो इसके बराबर होना चाहिए वो यारो दोस्तों जब भी होगा कि जो आर डैश है ना वो वो क्या हो जाए आईसो प्रोफाइल हो जाए वो वाला जो है आपका आई सो प्रोफाइल जैसा हो जाए एक मिनट बस आई सो प्रोफाइल जैसा हो जाए सॉरी ठीक है तो आप देखो क्या होगा जो एस्टर है वो जब भी बन सकता है चार कार्बन है कि एस्टर जो है ना वो ये हो जाए डैश है ना एस्टर जो है आपका ये हो जाए एस्टर ये हो जाए और एजेंट तो उन्होंने दे रखा है क्या दे रखा है उन्होंने उन्होंने दे रखा है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड वाला तो इट वॉज ए रियली गुड क्वेश्चन अब इस तरह क्वेश्चन करते रहो पुराने एग्जाम एग्जाम वाले तो आदमी का दिमाग ना शार्प होता जाता है आप सोचते हो मन मांगे मोर में हमेशा कह रहा था कि हमेशा तुम जो है नए नए क्वेश्चन मांगते रहते हो ठीक है वो नए नए क्वेश्चन मांगोगे क्या बार टीचर की गलती भी नहीं होती है फिर वो उल्टे सीधे क्वेश्चन जो है प्रोड्यूस करेंगे आप मेरी बात समझ रहे हो ना उल्टे सीधे क्वेश्चन जो है प्रोड्यूस करेंगे वो क्या हो गया वो तो ये आपका ऐसे हो जाएगा तो ये वही हो गया तो एम ई हो गया आप समझने की कोशिश करो रहे हो एम ई हो गया ठीक है अब ये दूसरा एम ई आएगा

सी एच ओ माइनस तो दोनों जगह क्या आ चुका है ये वाला पुराना एम ई और मान लेते हैं येलो, ये, येलो वाला ये वाला एम ई और इसके साथ क्या आया एम जी बी आर जल्दी ना करना जल्दी ना करना प्लस उसके साथ जो पुराना बचा हुआ आया वो क्या हुआ है एम जी ये बी आर ठीक है जी और ये क्या हो गया सी एच के साथ चलो पूरा लिखें ये वाला आर डे कहा था नहीं कहा था तो अब आप समझो अब समझो क्या समझो भैया क्या समझो इसका और इसका समझ रहे हो ना अगर दोनों का मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं दोनों का मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो सेम प्रोडक्ट आ रहा नहीं आ रहा सेम प्रोडक्ट आ रहा नहीं आ रहा देखो ध्यान से जो है इधर से क्या आ रहा है वही सी थ्री ये सी थ्री ये सी एच -OH आ रहा है यहां से देखो क्या आ रहा है सी एस थ्री आ रहा है आ रहा नहीं आ रहा सोल प्रोडक्ट भी आ रहा नहीं आ रहा बन रही नहीं बन रही बात जो है बन रही नहीं बन रही बात जो है तो इसलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था माइंड को शार्प करने का ये फिर वो ये मेरी फेवरेट फर्स्ट क्लास में कि फॉर सक्सेसफुल माइंड यू शुड बी नंबर वन रिलैक्स ओनली ये माइंड कैन बी एन अलर्ट माइंड कभी भी टेंस माइंड स्ट्रेस्ड माइंड ऐसे करने वाला अलर्ट रह नहीं सकता डरपोक माइंड होगा वो जो फियरलेस माइंड होता है वो बहुत रिलैक्स होता है उसे किसी चीज से डर नहीं लगता है रिलैक्सेशन नेचुरली होगी है है उसका माइंड चारों तरफ से चौकन्ना रहता अलर्ट रहता है बहुत ध्यान पूर्वक रहता है उसका माइंड वो बच्चा एग्जाम में जितनी भी उसकी नॉलेज हो जितनी भी इंटेलिजेंस हो वो सिलेक्ट जरूर होता है समझ आइए आपको बात जो है तो ये मेरे एक असाइनमेंट है मैंने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे बाकी एक असाइनमेंट है अभी मैं मेरे पास आंसर बन के आ गए हैं ये मैंने आज दिन में काम किया है ठीक है जी ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करा ही दिया ना तो मैं इसके ऊपर अभी एक आंसर यहाँ पे डाल दूंगा पीछे आप इसे कर लेना प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी जो है ठीक है जी आपको ये जो पीडीएफ पेपर आते हैं वो मिल जाएंगे ठीक है